Take your places first. चलो स्टार्ट करें गाइस, बोलो आया ना इच 11:15, सो प्लीज टेक योर प्लेसेस एवरीबॉडी। चलो स्टार्ट। चलिए शुरू करें एवरीवन, यस और नो, लेट्स गो। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सबको नमस्ते और हर हर महादेव। ओके सो पहला आपका डीटी का लेक्चर खत्म हो चुका है 3.5 घंटे, इज इट यस नो? चलो कोई बात नहीं, अगला 2.5 घंटा मेरा है, ठीक है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इवन दो सब्जेक्ट इज थ्योरी, आई विल प्रॉमिस यू दैट आई विल मेक इट वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, ठीक है। थ्योरी है कोई फर्क नहीं पड़ता, टेढ़ा है पर मेरा है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? चलो स्टार्ट करते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से, कुछ चीजों के ऊपर पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आर यू गाइस रेडी? थोड़ा सा आवाज सबको ठीक है? लास्ट बेंच इज क्लियर, ऑडिबल दिस साइड? लाइव स्ट्रीम में कृपया एक बार कमेंट कर दीजिएगा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है या नहीं है, ठीक है। यस अभी जस्ट एसी का, हाँ एसी एसी। सो सबसे पहली बात, एसी का टेम्परेचर, एसी बंद नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इतना सारा क्राउड है तो एक आधा सफोकेशन से चक्कर आके गिर सकता है और लोगों को अलग अलग डाउट आ सकते हैं, दैट इज व्हाई एसी बंद नहीं कर सकते। हमने एसी का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ाया है, इट इज बियॉन्ड 25, इसके बाद में इसको एसी नहीं हीटर कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ बैठ के हम आपको हिमाचल प्रदेश का फील दे रहे हैं So, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, और अगर किसी को ज्यादा ठंडी लगती है तो कृपया प्लीज कैरी द जैकेट्स, ठीक है। मैं खुद कैरी कर रहा हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मेरे बारे में, फिर उसके बाद में कुछ आपके बारे में, फिर हम शुरू करेंगे कुछ लॉ के बारे में। आर यू गाइस रेडी? बोलो हाँ या ना? ओके मेरा नाम है दर्शन खरे, नाम तो सुना होगा। मैंने सीए कंप्लीट किया है जून 2009 में। सर जून में, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन था तो एग्जाम एक महीना डिले हुई थी, जैसे इस बार होने के चांसेस है May 24 के लिए। यू आर नॉट दैट लकी, ठीक है, तुम्हारा समय पे ही होगा। सो मैंने सीए कंप्लीट किया है जून 2009 में, और मैंने सीएस कंप्लीट किया है December 2010 में, और मैंने बीकॉम भी किया है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने उसके बाद में 1.5-2 साल तक जॉब किया, मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट्स किए,
कुछ लिस्टेड कंपनी के भी ऑडिट्स किए, फिनोलेक्स, फाइसर, थर्मैक्स, आपने शायद सुना होगा। और उसके बाद में पिछले 13 सालों से आई एम पैशनेटली इनटू टीचिंग, और पिछले 13 साल पहले आई हैव स्टार्टेड टीचिंग विद द सीए फाइनल, फिर मैंने 12 साल तक सीए फाइनल पढ़ाया, फिर सीए फाइनल से लॉ ही चला गया। उसके बाद में फ्रॉम लास्ट 9 to 10 years आई एम टीचिंग फॉर सीए इंटर लॉ, ठीक है। एडिशनली बाय पैशन टीचर हूँ, तो प्रैक्टिस वगैरह आज सच बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। जितने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल के ऑडिट होते जिनको मैं मना नहीं कर सकता, बस उन्हीं के साथ में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। मेन मेरा क्रिएटिव जो मेरे को बहुत पसंद है वो है पढ़ाना, और दूसरा नोट्स बनाना, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। यू विल सी फ्रॉम माई नोट्स कि किस प्रकार से उसके अंदर डेडिकेशन दिया गया है, आई विल एक्सप्लेन इट एट द एंड, ठीक है। पहले कुछ अच्छा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। नाउ अबाउट यू, आप सब नवंबर 24 के लिए अपियर करने वाले हो सीए इंटरमीडिएट, राइट? जोर से बोलो यस और नो। एनीवन विद द डायरेक्ट एंट्री गोइंग टू फॉर मे 25 या डायरेक्ट एंट्री वाले कोई स्टूडेंट है जो फाउंडेशन पास करके नहीं आए हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं संडे को, आने वाले संडे को एक एक्स्ट्रा सेशन लूंगा, क्योंकि फाउंडेशन के बच्चों को जितना कंपनी लॉ का नॉलेज है आई वॉन्ट टू फिट इट इन टू यू सो दैट यू शुड बी विद द लाइन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, यस और नो? सो प्लीज रिमेंबर दैट। नाउ उसके बाद में क्लास के कुछ रूल्स हम समझ लेते हैं, ओके? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, एक साथ क्लास चलनी चाहिए, ठीक है, और ये समय भूख लगने का समय है, राइट? तो क्लास के कुछ रूल, रूल नंबर 1, पूछो क्या? क्लास 11:15 बजे शार्प शुरू हो जाएगी, विजय सर कितने भी बजे छोड़े, बिकॉज ही इज बाउंड बाय द हैबिट टू लीव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो और ये मैंने बहुत सहा है, मतलब जितने उन्होंने मेरे एक्स्ट्रा वाला मिनट्स खाया है उससे मेरा एक पूरा बैच बन जाता था, समझ में आ रहा है? सो 11:15 बजे क्लास शार्प शुरू हो जाएगी, 15 मिनट हम डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे, 2 घंटे तक के हम कंटेंट पढ़ेंगे, एंड 15 मिनट्स हम राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर देंगे, ठीक है। क्लास के अंदर अगर आप थोड़ा सा लेट हो रहे हो तो 2 मिनट के लिए कृपया बाहर रुक जाइए, क्योंकि आने वाला शाहरुख खान होता है, ठीक है, लोग उसी को देखते मुझे तो भूल जाते हैं, उसमें भी कोई लड़की रही तो, समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई प्लीज बी ऑन टाइम, सो आपका कोई भी कंटेंट मिस ना हो। जो क्लास पे समय पे आएगा आई प्रॉमिस यू आपको सभी ई फॉर्म्स और सभी सेक्शन नंबर्स में याद करवा दूंगा, ठीक है, जस्ट बी ऑन टाइम। दूसरा रूल, क्लास थ्योरी सब्जेक्ट की है, आई टोटली एग्री, और इसके पहले तुमने लॉ बहुत भारी तरीके से पढ़ा है, दैट टू ऑल्सो आई एग्री, कॉन्ट्रैक्ट में तुमको बहुत ज्यादा मजा आया, ऑफर एक्सेप्टेंस, यस और नो, दैट आई ऑल्सो एग्री, पर मैं यह समझ रहा हूं कि तुम्हें लॉ का कुछ नहीं आता, ठीक है, वेरी सॉरी टू से दिस। कुछ लोगों को लॉ में एग्जम्पशन भी होगा, ऑब्वियसली होगा, बट आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, मैं यहां से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं जैसे आपको लॉ का कुछ नहीं आता, एंड प्रोबेबली आज के लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि शायद आपको सच में कुछ नहीं आता, ठीक है। सो प्लीज फोकस ऑन दैट। नेक्स्ट चीज, क्लास थ्योरी की हो, मुझे इंटरएक्टिव चाहिए, किसी भी फॉर्म में इंटरएक्टिव चाहिए, मैं आपसे कोई भी सवाल पूछूं मुझे जवाब चाहिए। मैंने पूछा गधे को पैर कितने, तुम 5 बोलो मेरी कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट अलग अलग हो सकते हैं, इंटरप्रिटेशंस भी अलग अलग हो सकते हैं, इट इज लॉ, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? सो उसको करेक्ट करने का काम मेरा है भाई, 4 ही होते हैं, इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट चीज, आपको क्लास वर्क के लिए कोई भी रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी नोट्स इस प्रकार से डेवलप्ड है कि लेफ्ट साइड में अगर आप जो पढ़ रहे हो उसका राइट साइड में आपको राइटिंग करना है, वो नोट्स के अंदर स्पेस इंक्लूडेड है। आपको सिर्फ 2 रजिस्टर मिनिमम 400 पेजेस के बनाने हैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है, ये 3 तक के भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हम कितने क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे। क्वेश्चन आंसर राइटिंग से ज्यादा मैं एक बैलेंस अप्रोच के ऊपर चलूंगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट कैरी 2 रजिस्टर डिफरेंट, डोंट मिक्स इट, एंड में वो रजिस्टर देख के आपको खुद का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, आप बोलोगे वाह वाह, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना? सो जस्ट कैरी 2 रजिस्टर, डेली 2 कैरी नहीं करने हैं, पहले 1 ही लाना, ठीक है। नेक्स्ट वाला रूल, अगला, क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूं या कुछ लिखवा रहा हूं तो आई विल प्राइमरी गिव यू इंस्ट्रक्शन कि मेरे साथ में लिखना है या मेरे साथ में नहीं लिखना है। फ्यू कॉन्सेप्ट्स आर सो इंपॉर्टेंट, डिस्कशन इज सो इंपॉर्टेंट, उसके अंदर घुसना इतना ज्यादा जरूरी होता है कि मैं नहीं चाहता वहां आपका राइटिंग की वजह से अडल्ट्रेशन हो जाए, रादर आप कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए रादर देन सिर्फ लिखने पे, ओके? एक बार यहां फिट कर दिया ना बेटा, फिर गेम ओवर है, फिर आप उसको कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हो, क्लियर है कंसेप्ट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 22 से 25 मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, इसके लिए जद्दोजहद कितनी भी करनी पड़े, इसीलिए प्लीज ट्राई कि किसी भी दूसरे क्लासेस के साथ सिलेबस कंपेयर ना करें,
ठीक है, नहीं तो तुम चार चैप्टर बाद आओगे, सर वहां तो बैच खत्म हो गई, होने दो, इट्स ओके। आपका मेरे ऊपर भरोसा है, मेरा आपके ऊपर भरोसा है, 22 से 25 में जिस दिन ग्रुप वन के सब क्लासेस खत्म होंगे, आपका क्लास खत्म होगा विथ 200% कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने बोला, आई विल मेक लॉ वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, ठीक है, और सिर्फ फेवरेट नहीं, आई विल मेक अ लॉ वन ऑफ योर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। फाउंडेशन में तुम्हें 40 भी आए हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली उससे नीचे नहीं आ सकते, ठीक है, फाउंडेशन में आपको 40 भी आए हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट वॉट आई एम टीचिंग फॉर इज एग्जम्पशन, मिनिमम एग्जम्पशन, MINIMUM, एग्जम्पशन, क्लियर है? और यह आपको अगले एक महीने के अंदर ही समझ में आ जाएगा। सबसे आखिरी चीज, जिसको मेहनत करना है कृपया मेरे क्लास में एडमिशन ले। आप सिर्फ प्रवचन सुनने आए हो कि बाबा जी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो बाबा जी धुनी देंगे, ठीक है? सो अगर आप प्रवचन सुनने आए हो, नहीं, मैं जितना अच्छे से पढ़ाऊंगा उतने अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है? और एक बात बेटा आप समझ लो, आप स्कूल के, किंडरगार्टन के या स्कूल के बच्चे नहीं हो, यू नो दैट लास्ट 3 घंटे में जाके परफॉर्म करने का है, इज इट? ओरल एग्जाम है, राइटिंग के एग्जाम है, बात खत्म। जो राइटिंग में करना है वहां जाके तलवार से लड़ना है, यहां लकड़ियों से खेल के नहीं चलेगा, यहां भी तलवार से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो कैसे करनी है आई विल शो यू। इज इट वेरी क्लियर एवरीबडी? एवरीवन अंडरस्टूड द रूल्स? सुनाई नहीं दे रहा मुझे, और जोर से, एवरीवन अंडरस्टूड द रूल्स? शानदार, ठीक है। सो विद दिस वी विल स्टार्ट विद द क्लास। पहले हम कुछ सिलेबस के बारे में जानेंगे, किस प्रकार का पेपर पैटर्न आता है उसके बारे में जानेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द लॉ। जैसे मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया, आई थिंक आपको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है? आपको पता भी होगा, वेरी वेल एंड गुड, पर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे आपको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, क्लास विल बी डिपेंडिंग ऑन बैलेंस अप्रोच। सर आपकी इंग्लिश बहुत खराब है, उधर बैलेंस में ईडी चाहिए और अप्रोच का स्पेलिंग गलत है। जो लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, कृपया आपका अप्रोच बैलेंस्ड रखे, ठीक है? देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश, यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश, डीके इंग्लिश, ठीक है? मैं आपको इंग्लिश या ग्रामर नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? लॉ। स्टे विद द कंटेंट एंड कंसेप्ट। स्पेलिंग मिस्टेक में 1000 करूंगा, मेरे पास इतना क्रिएटिविटी है कि मैं एक वर्ड 4 तरीके से लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? जोर से बोले सर। नाउ सो स्टे, अपना क्लास मेनली बैलेंस्ड अप्रोच के ऊपर डिपेंड है, ठीक है? 2 तरीके से हम हमारे क्लास को चलाने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, विल गो विथ 200% कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि बाकी सब लोग 100% के साथ जा रहे हैं, ठीक है? एंड अब क्या बोलूं मैं जीवन में, ठीक है? एंड सेकेंडली, इस कंसेप्ट को बिल्टअप करने के लिए ना बेटा नींव की जरूरत होती है। बिल्डिंग कभी भी बिना नींव के नहीं बनती, ठीक है? जितना नींव, आपने कभी देखा होगा बड़ी बिल्डिंग बनती है ना, पहले गड्ढा बहुत बड़ा खोदते हैं, जितना बड़ा फ्लोरिंग रहेगा ना उतना गड्ढा डीप जाएगा, इज इट? बोलो हाँ है ना? सो दिस कंसेप्ट शुड बी बैक्ड अप बाय द नॉलेज, एंड व्हेन देयर इज अ नॉलेज देन आपकी नींव स्ट्रांग रहेगी, आपकी नींव स्ट्रांग रहेगी, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग रहेंगे, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग रहेंगे, आपका रिट्राइवल स्ट्रांग रहेगा, आपका रिट्राइवल स्ट्रांग रहेगा, आप लिंक बहुत अच्छे से पाओगे। दिस इज अ चेन, आप इसमें से एक भी लिंक तोड़ दीजिए, आप एंड में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो हमारे क्लास के 2.5 घंटे में से डेडिकेटेड 2 आवर्स विल बी ओनली फॉर द कंसेप्ट, ओनली फॉर कंसेप्ट, कंसेप्ट एंड नॉलेज, कंसेप्ट एंड नॉलेज। 5-10 केस स्टडी ठोक डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बड़े वाले केस लॉज अलग से, दैट इज डिफरेंट। क्लियर कंसेप्ट? सो प्लीज डू अंडरस्टैंड, नॉलेज एंड कंसेप्ट इज द प्राइमरी फॉर द 2 आवर्स। पर मैं कितना भारी पढ़ाता हूं या आपको कितना याद है, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलते। दर्शन खरे होता भारी पढ़ाता होगा, ओके, तुम क्या लिख सकते हो, तुम 3 घंटे में क्या कर सकते हो, क्या फायदा दर्शन खरे ने भारी पढ़ा करे अगर तू वो 3 घंटे में जाके मिट्टी खा के आ रहा है, इज इट? बोलो हाँ है ना? दैट इज वाई द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच इज राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे सीए फाउंडेशन में बस इस चीज की वजह से लॉ में फेल हुए जो तुम्हारे साथ थे, आई विल टेल यू, वो अभी आपके साथ माइंड भी इस वजह से नहीं अगर वो लॉ में फेल है, बिकॉज उन्होंने स्पेसिफिक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिसेस नहीं की है। एंड फाउंडेशन में तो भी बाय वन और द सेकेंड लक यू मे पास विदाउट अ राइटिंग प्रैक्टिस, बट इंटर दिस इज इम्पॉसिबल, आई प्रॉमिस यू दिस इज इम्पॉसिबल।
एंड नॉट जस्ट ओनली फॉर लॉ, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे रहा हूं, प्लीज डू अंडरस्टैंड, सीए इंटर पास करना है, कंसिस्टेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, अदरवाइज 200 घंटा पर सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट का 1200 घंटा, इसको दिमाग में रखना इज नॉट इजी. इज इट वेरी क्लियर एवरीबडी? जोर से बोले सुनो. सो डेडिकेटेडली हम थ्योरी सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई 15 मिनट्स डेली के वी विल गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, ओनली 15 मिनट्स, विच प्रोबेबली 1/8 ऑफ द टाइम फॉर अवर क्लास. बट साथ में मैं होमवर्क भी दूंगा, आई गिव द होमवर्क, मैं उसको चेक भी करता हूं. लास्ट बैचेस तक मैं लोगों को खड़ा भी करता था, आपने सुना भी होगा कुछ बच्चे सिर्फ खड़े रहने के लिए क्लास आए होंगे आज, ठीक है. पर इस बैच से आई लिव इट टू योर विजडम, आप स्कूल के बच्चे नहीं हो, ठीक है. मैं पनिश जरूर करूंगा, लेकिन मैं हर एक के आंसर चेक करके पनिश करूंगा. व्हेन लास्ट 15 मिनट्स यू आर राइटिंग, आई विल बी वंडरिंग इन एंटायर क्लास, यहां वहां वो कोने में इधर उधर सब जगह, तुम्हारा पेन और तुम्हारा हैंडराइटिंग भी मेरे को याद रहेगा. अगले 2 महीने तक तुम मुझसे बच नहीं सकते, तुम कुछ भी कर लो. अगर तुम बचने के लिए इस क्लास में आए हो तो इस क्लास से बच जाओ, ठीक है. मैं यहां बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मेरे क्लास में कोई बच्चा बैठा है और उसको राइटिंग नहीं जम रही, ठीक है, बिकॉज दैट इज हिज रिजल्ट. मैं बहुत भारी पढ़ाता हूं इस वजह से बात नहीं बनेगी, बात इस वजह से बनेगी तू कितना अच्छे से लिखता है. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ओके, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, शॉल वी, बोलो हाँ है ना. समझो इन मैम को, मैम नाम बोलिए पूर्वा, पूर्वा मैम को लेट्स से फॉर 2 मिनट्स कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता. बट अगर पूर्वा मैम को नंबर ऑफ पॉइंट्स याद है जो पूर्वा मैम को लिखने हैं, तो मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब देना, वैल्यूअर को पता है क्या कि उसको आता है कि नहीं आता है, उसने लिख दिया तो मार्क्स आ जाएंगे. पर मैं ये नहीं कह रहा कि नॉलेज और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज सिर्फ वहीं काम करेगी जहां आपको सच में कुछ याद नहीं रह रहा. इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? पर प्राइमरी हमारा बेस क्या रहेगा, न्यू क्या रहेगा, नॉलेज एंड कंसेप्ट. इज इट वेरी क्लियर एवरीबडी? जोर से बोले एक बार ये सुनो. सो डेली 15 मिनट्स, प्लीज स्टे विथ मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? जोर से बोलो हाँ है ना. और 15 मिनट्स तक के डेली रिविजन चलेगा, 6 से 7 टेस्ट क्लास के अंदर होंगे. वन मोर थिंग, May 24 एग्जाम में 4 मई को जो पेपर आने वाला है वो अपने को 22 मई को सॉल्व करने का है, ठीक है. अगर ये अपन कर पाए तो आई विल कॉल दिस क्लास सक्सेसफुल. इज इट वेरी क्लियर एवरीबडी? वो हमारा अल्टीमेट टेस्ट है और वो अपन करेंगे ईमानदारी से. 2 रूल सिर्फ आपने याद रखना है, क्लास में कंसिस्टेंट आना है और होमवर्क करना है. इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? जोर से बोलिए हाँ है ना. चलो बहुत बढ़िया, ये चीज अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई तो लेट्स स्टार्ट विद द अवर सब्जेक्ट, दैट इज सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, राइट. मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बोल दूंगा, आप आपके पेन पेंसिल बुक ओपन कीजिए, मेरे साथ साथ में लिखना शुरू कर दीजिए. लेट्स गो. चलो, आर यू गाइस रेडी एवरीवन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द सिलेबस, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. सब जन रेडी है? बोलो हाँ है ना. चलो मेरे साथ साथ में लिखना शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज है कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है. सब्जेक्ट का ही नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जिसमें कॉर्पोरेट लॉ जो आपको 70 मार्क्स का है, प्लीज सेल में कितने मार्क्स के लिए बोले एक बाजू से 70. यह आपका स्कोरिंग चाहिए मुझे, ये इतना स्कोरिंग चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमें इसमें से 50 मार्क्स लाने हैं, मतलब लाने हैं. क्यों कैसे वो छोड़ दो, फिलहाल आप लिख लीजिए विद अ पॉजिटिव अफर्मेशन कि मेरे को इसमें से 50 लाने हैं, मेरा ट्राई वही रहेगा. इज इट वेरी क्लियर? क्योंकि मेन आपका स्कोरिंग वाला एरिया कॉर्पोरेट लॉ में ही आएगा, आपका स्कोरिंग एरिया कॉर्पोरेट लॉ में ही वर्क करेगा, अदरवाइज इट वोंट वर्क, ठीक है. समझ में आ रहा है? क्योंकि अदर लॉ में अगर हम बात करें 30 मार्क्स के लिए, बहुत अलग अलग चैप्टर है, अजीबो गरीब चैप्टर है, ठीक है. सो दैट इज फॉर हाउ मच मार्क्स बोले एक बार, 30 मार्क्स. बट स्टिल वी विश टू क्रिएट 20 मार्क्स आउट ऑफ इट. मैंने 30 मार्क्स में 10 मार्क का मार्जिन छोड़ा है और इधर 70 मार्क्स में भी 20 मार्क्स का मार्जिन छोड़ा है. इज इट क्लियर? बोलो हाँ या ना. ओके, नाउ ये 70 मार्क्स में से 2 पोर्शन होते हैं. पहला पोर्शन होता है दैट इज कंपनीज एक्ट. सबको बताया कंपनीज एक्ट क्या है? बोलो हाँ है ना. कितने सेक्शंस है कंपनीज एक्ट में?
पढ़ा ना तुमने फाउंडेशन में? मेरी माँ। सो कितने सेक्शन है कंपनीज एक्ट में? लाइव स्ट्रीम वाले निर्देशक। ओके, कितने सेक्शन है कंपनीज एक्ट में? लगाओ बोली, जल्दी बोलो फास्ट, कितने होते हैं? सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 470 सेक्शंस, जिसमें से आपको अप्लीकेबल है प्राइमरी 148 सेक्शंस और उसके बाद में प्लस 14 सेक्शंस। प्राइमरी 148 प्लस 14 सेक्शंस। नाउ ये 14 सेक्शंस न्यू सिलेबस में ऐड किए गए हैं फॉर द फॉरेन कंपनी चैप्टर। कौन सा चैप्टर बोले एक बार? फॉरेन कंपनी। टोटल आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि दीज आर 11 चैप्टर्स। दीज आर हाउ मेनी चैप्टर्स? 11। सो कंपनीज एक्ट के हमको टोटल 11 चैप्टर्स अप्लीकेबल है। इज इट वेरी क्लियर एवरीबडी? जोर से बोलो हाँ या ना। एक बार वापस से बोलो, कंपनीज एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने बच्चों? 470। उसमें से हमें कितने अप्लीकेबल है? 148 प्लस हाउ मेनी सेक्शंस? 14। और कितने चैप्टर्स है? 11। वैसे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बोल के रखू, कंपनीज एक्ट में टोटल चैप्टर्स 29 है। कितने चैप्टर्स है? 29। 29 में से 11 अभी एप्लीकेबल है। बचे हुए जितने भी चैप्टर है वो आपको सेल्फ पेस असेसमेंट मॉड्यूल सीए फाइनल में आएंगे। इज इट वेरी क्लियर? पूरा कंपनीज एक्ट तो आपको सीए के सिलेबस में एप्लीकेबल है, सिर्फ 148 प्लस 14 अभी है, बचा हुआ सेल्फ पेस असेसमेंट में आएगा। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा वाला 30 मार्क्स का जो पोर्शन है, ठीक है, दूसरा पार्ट कंपनीज एक्ट का, दैट इज एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। कैन यू टेल मी द ईयर ऑफ द सेम? ईयर याद है पक्का? सर पर एक्ट ऑप्शन में छोड़ दिया था। या पढ़ा था कितने लोगों ने एलएलपी ऑप्शन में छोड़ दिया? ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी, बिल्कुल झूठ वही है, मां कसम। लाइव स्ट्रीम में भी बोलो मेरे को कितने लोगों ने ऑप्शन में छोड़ा था। आई नो कि तुमने एलएलपी ऑप्शन में छोड़ा होगा, रीजन बींग वो बनाया ही वैसा है और सबसे गलत बात तो ये इंस्टीट्यूट ने गलत और भी अलग तरीके से दिया है। बट डोंट वरी, हम इंटर लेवल पे कोई भी चैप्टर ऑप्शन में नहीं छोड़ने वाले, छोड़ना भी नहीं है। इज इट वेरी क्लियर? इसके बारे में हम वापस बात करेंगे कभी, बट फिलहाल ये मेंटेलिटी लेके चल रहा हूं, कोई भी चैप्टर ऑप्शन में छोड़ने का नहीं। सो एलएलपी 2008, ये एक ही लॉ है जो आपको अप्लीकेबल है कॉर्पोरेट लॉ में, और कॉर्पोरेट लॉ का मतलब होता है बच्चों बॉडी कॉर्पोरेट को अप्लीकेबल लॉज। नाउ व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? द बॉडी कॉर्पोरेट इज डिफाइंड इन टू सबसेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, टू सबसेक्शन कौन सा बोले एक बार? 11। वैसे शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, लेट मी टेल यू, कंपनीज एक्ट के डेफिनेशंस पढ़े हैं सबने? ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, बोलो हाँ या ना। कंपनी मीन्स अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक, पब्लिक विच इज नॉट, इज इट, बोलो हाँ या ना। तो कैन यू टेल मी कंपनीज एक्ट के सेक्शन किस प्रकार से अरेंज्ड है? मेनली डेफिनेशंस के, इट इज अल्फाबेटिकल, दैट्स व्हाई बी वाला पोर्शन है बॉडी कॉर्पोरेट वाला, टू सबसेक्शन 11 में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 210 में है, बोर्ड डेफिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बी, ए बी सी डी इस प्रकार से अरेंज्ड डेफिनेशन है। जब हम कंपनी के टाइप्स देखेंगे तब मैं इसके बारे में और ब्यौरा दूंगा आपको। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो, एक लेक्चर में तो सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, इसलिए मैं आपके लिंक अभी क्रिएट करके रख रहा हूं, सो उस वक्त याद आए। इज इट वेरी क्लियर? सो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन कहां है सब जन बोलो? टू सबसेक्शन नंबर 11। बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में चार चीजें आती है। कितनी चीजें आती है? चार। शो मी फोर एवरीबडी एंड लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। रेडी सब जन? सबसे पहला कंपनी, सब जन बोलो क्या? कंपनी। ये याद होना चाहिए, हां ये, इसके बाद में अगर किसी ने गलत है मैं गोली मार दूंगा, याद रखना। सो सबसे पहले क्या बोले एक बार? कंपनी। दूसरा एलएलपी। तीसरा कॉर्पोरेशंस। एनी एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेशन? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसबीआई इज नॉट अ कॉर्पोरेशन, इट इज अ कंपनी, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड लास्ट वाला इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सीजी। एक बार वापस से बोलिए, क्या बोलना है? इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सीजी। इसका एग्जांपल आईसीएआई। बहुत बढ़िया, समझ में आया पक्का? हाँ है ना। सो बॉडी कॉर्पोरेट में कितने लोग आते हैं? चार। ये ब्रीफ डेफिनेशन दिया, डिटेल और देखेंगे। कौन कौन एक बार वापस बोलो? कंपनी, एलएलपी, कॉर्पोरेशंस एंड इंस्टीट्यूशन। समझ में आ रहा है पक्का? सो उसमें से हमको दो ही अप्लीकेबल है। एक क्या है बोले एक बार? कंपनीज एक्ट। दूसरा क्या है बोले एक बार? एलएलपी। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट लॉ। सार, जोर से बोलो सर। सर क्यों पढ़ा रहे ये? जबरदस्ती पढ़ा रहे, सब्जेक्ट पढ़ा के रख दिया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कृपया समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से तुम यहां के बाद आर्टिकलशिप में गए
और तुम आर्टिकलशिप में एक कंपनी के ऊपर असाइन हुए ऑडिट के लिए, और तुम्हें कंपनी के स्ट्रक्चर से नहीं पता, तो बात बनी कि कह रहे अच्छा ऐसा है क्या कि सिर्फ कंपनी के ऑडिट आने वाले हैं या एलएलपी के भी आएंगे? प्लीज टेल मी, एलएलपी के भी आएंगे? आपको फ्रेंकली बोलूं, उल्टा अगर आप स्मॉल या मीडियम फर्म में जाते हो ना, तो उल्टा एलएलपी के ऑडिट ज्यादा आते हैं। कंपनी तो चलो ठीक है बाद में आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आज के डेट में जो प्रचलित वाला किस्सा है वो है एलएलपी। वो क्या है सज्जन, बोले एक बार, एलएलपी। लास्ट बेंचर, सबको समझ में आ रहा है? जोर से बोले यस और नो, इज इट वेरी क्लियर? दैट्स व्हाई दीज टू टॉपिक्स आर इन अवर सिलेबस, बिकॉज वी आर गोइंग टू गो फॉर ऑडिट ऑफ द सेम। समझ में आ रहा है? तो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि कैसे काम करते हैं, कितने लोग होते हैं, क्या डिसीजन मेकिंग होता है, पैसा कैसे आता है, पैसा जाता कैसे है, डिपॉजिट कैसे, बोरोइंग्स कैसे, शेयर कैपिटल कैसे, मैनेजमेंट कैसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसा काम करेगा, मेंबर्स कैसे काम करेंगे, ये सब चीजें अपने सिलेबस में है, क्योंकि इन्हीं चीजों का तो ऑडिट करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन्हीं चीजों को तो चेक करना है कंपनी के अंदर। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो। सो दिस इज योर फर्स्ट पोर्शन, कंपनी लॉ। हाउ मेनी मार्क्स? सज्जन बोलेंगे एक बार, 70 मार्क्स। सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, अदर लॉज, हाउ मेनी मार्क्स के लिए है? 30 मार्क, जिसके अंदर सबसे पहले आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पूरा नाम लिखिएगा शगुन के लिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका ईयर है 1999। ईयर क्या है बोले एक बार, उसे 1999। नाम पर से क्या लगता है किस बारे में लॉ है? जोर से बोलो, किस बारे में है? फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? करेंसीज के बारे में, फॉरेन करेंसीज के बारे में। चलो फिलहाल इतना सफिशिएंट अपने लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरे लॉ का नाम लिखिएगा जनरल क्लॉजेस एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है, 1897। एंड तीसरे लॉ का नाम लिखेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये एक्चुअली लॉ नहीं है, दिस इज अ टॉपिक, ठीक है। सो दीज थ्री टॉपिक्स आर फॉर 30 मार्क्स, दीज थ्री टॉपिक्स आर फॉर 30 मार्क्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना। So, ये है आपका सिलेबस, दैट इज कंपनीज एक्ट के हाउ मेनी चैप्टर्स? सब जन एक बार वापस बोलेंगे कितने? 11, ठीक है। एलएलपी पूरा का पूरा आपको अप्लीकेबल है, और अदर लॉज में आपको कितने टॉपिक अप्लीकेबल है? 3। कौन कौन सा? सब जन बोलो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट। सबको समझ में आया पक्का? एनीवन हैव एनी क्वेरी अबाउट द सिलेबस? वेरी क्लियर अबाउट दिस? जोर से बोलो यस और नो। अब एक बार पेपर पैटर्न जान लेते हैं। ये लिख लिया सबने हाँ है ना? नॉर्मली हाउ द पेपर कम्स, किस प्रकार से पेपर पैटर्न दिया गया है? पेपर पैटर्न आपका 100 मार्क्स का सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का पेपर है, जिसमें से 70 मार्क्स का आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव रहेगा। 70 मार्क्स का आपका पेपर क्या रहेगा बोले एक बार? डिस्क्रिप्टिव। एंड 30 मार्क्स का पेपर आपका केस स्टडी बेस्ड ऑब्जेक्टिव रहेगा। कैसा रहेगा बोले एक बार? केस स्टडी बेस्ड ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से कुछ फैक्ट उठा लिए, कंपनीज एक्ट से कुछ फैक्ट उठा लिए, जनरल क्लॉजेस से कुछ फैक्ट उठा लिए, सबका मिला के केस स्टडी बना दिया। केस स्टडी आपको रीड करना है और उसके ऊपर 30 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऑब्जेक्टिव। दिस इज हाउ इट विल गो। इसका भी प्रैक्टिस अपन करेंगे। डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस वी विल बी हैविंग इन द क्लास पूरा का पूरा, जैसे हम 15 मिनट्स वगैरह देते हैं। नाउ इन डिस्क्रिप्टिव के ऊपर ही ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। अगर आपको कंटेंट और टॉपिक ही नहीं पता तो आपको ऑब्जेक्टिव कैसे पता चलेंगे? सो डिस्क्रिप्टिव के ऊपर ही क्या बन सकते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स का भी हम प्रैक्टिस लेंगे, पर ऑब्जेक्टिव्स के प्रैक्टिस के लिए हम एक्स्ट्रा सेशंस लेते हैं, एक्स्ट्रा स्टडी सेशन। आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जितने भी केस स्टडीज होंगे वो हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे, पर एक्स्ट्रा स्टडी सेशंस में। जिन जिन को अटेंड करना है वो उस वक्त कर सकता है, जिन जिन को नहीं करना है इनकेस, ये मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके रखूंगा, आपको जब चाहे तब आप अटेंड कर सकते हो। क्योंकि केस स्टडी बेस में लास्ट लेक्चर्स के अंदर लेने की कोशिश कर रहा था, तो उस केस में बच्चे कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे ये प्रेफर करते हैं कि केस स्टडी हम खुद सॉल्व करें, या फिर आप पहले 4 लेक्चर देखने के बाद ये बोल रहे हो हमको केस स्टडी आना शुरू हो गया, तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व ऑन योर ओन। पर मेरे तरफ से मैं पूरे कंप्लीट करके दे दूंगा। इज इट वेरी क्लियर एवरीबडी? जोर से बोले यस और नो। सो 70 मार्क का आपका पेपर कैसा है बोले एक बार, जो से डिस्क्रिप्टिव। 30 मार्क्स का आपका पेपर कैसा है बोले एक बार, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है करेक्ट इनकरेक्ट, ट्रू और फॉल्स, विद द रीजनिंग आपको बोलना है क्या सही है क्या गलत है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोलो हाँ या ना।
पक्का कंसेप्ट क्लियर है? चलो ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है? ये लिख लिया सबने, जस्ट नोट इट डाउन, किसी को चाहिए तो गो फॉर इट फास्ट। ओके सर, ये भी बोल दो कि नॉर्मली पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मली आपके पेपर में क्वेश्चंस होते हैं 6, आउट ऑफ विच आपको सॉल्व करने होते हैं नॉर्मली 5 इंक्लूडिंग द केस स्टडीज, ठीक है? सो 5 क्वेश्चन रफली आपको 20-20 मार्क के 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। टोटल 116 मार्क्स का पेपर आता है। इज इट वेरी क्लियर? हम जब पेपर देखेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, तो उस वक्त मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। श्योर, डन एवरीबॉडी? जोर से बोलो हाँ या ना। ओके, ये होने के बाद नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। क्या डेफिनेशन था कंपनी का? कंपनी मीन्स अ कंपनी। लॉ मेकर ने इसको बना के कैसा लगा मेरा मजाक? बोलो हाँ है ना। और हमारे जैसे टीचर, बोलो हाँ है ना। और तुम्हारे जैसे स्टूडेंट, ये मैंने क्या पढ़ लिया? बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बार बताओ बेटा, इस प्रकार से अगर लॉ पढ़ना है तो कोई फायदा है क्या? डे वन वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन, चलो कंपनी मीन्स अ कंपनी, सब्सिडरी मीन्स अ सब्सिडरी, प्राइवेट विच इज नॉट पब्लिक, पब्लिक विच इज नॉट प्राइवेट। सीरियसली आर वी गोइंग टू लर्न लॉ लाइक दिस? तुमको ये तक नहीं पता कि कैटेगरीज ऑफ लॉ कितने हैं, तुमको ये तक नहीं पता लॉ पास करने का प्रोसेस क्या है। कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप तुमने पढ़ लिया, पर तुमको ये तक नहीं पता कि यह पार्लियामेंट ने पास किया या ब्रिटिशर्स ने पास किया, और ब्रिटिशर्स ने पास किया है तो कौन से पर्सन ने पास किया है। तुमको ये तक नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पहले लॉ थे या नहीं थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो 1950s में बना। हाया ना मेरे देश के आजाद नागरिकों, 26 जनवरी को छुट्टी मनाई है तुमने या सिर्फ चॉकलेट खा के वापस आ गए घर पे? अरे बोलो हाया ना। वो 26 जनवरी की छुट्टी क्यों मिलती है? चॉकलेट खाने के लिए। सर पीटी करवाते इज इट? बोलो हाया ना। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया? 1950। डू यू नो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट इज ऑफ 1949, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले। कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आया, देश बाद में आया, तुम पहले आ गए कैसे? अब तुमको ये चीजें नहीं पता और मैं तुमको सीधा डेफिनेशन में कूदवा दूं तो तुम चौथे दिन मेरे को मारोगे कि क्या पढ़ा दिया, समझ में आ रहा है? सो वी विल गो विद द वेरी बेसिक। जैसे मैंने बोला, मैं अज्यूम कर रहा हूं तुम्हें कुछ नहीं पता, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोले सुनो। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। दुनिया का सबसे पहला लॉ, सर इतना भी पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है बहुत जरूरत है। दुनिया का सबसे पहला लॉ कब बना था बोलो? आपको इमीडिएटली समझ में आएगा क्यों जरूरत है। दुनिया का सबसे पहला लॉ क्यों बना था और कहां बना था? आपको पता है दुनिया का पहले लॉ का नाम बहुत अजीब है, द कोड ऑफ हमूराबी। नाम पर से समझ सकते हो दिस इज क्रिएटेड बाय इजिप्त वाले लोग। बिकॉज दुनिया का सबसे पहला सिविलाइजेशन ऑन रिकॉर्ड्स, वैसे तो बहुत सिविलाइजेशन थे, इंडिया में तो बहुत ज्यादा थे, ठीक है, पर दुनिया का सबसे पहला लॉ इजिप्ट सिविलाइजेशन ने लाया था, क्योंकि उनके पास सिविलाइजेशन थी, उनके पास लोग थे, और उनके लोगों के सेफ्टी के लिए उन्होंने 3000 बीसी ईयर बोलते इसको, हाँ बिफोर क्राइस्ट, सो 3000 बीसी में इन्होंने सबसे पहला लॉ लाया विच इज कॉल्ड एज द कोड ऑफ हमूराबी, ठीक है। हमको इससे कोई लेन देन नहीं है, पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लॉ आता इस वजह से है क्योंकि सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन मेंटेन करने के लिए रूल्स की जरूरत होती है, बिकॉज विदाउट रूल्स सिविलाइजेशन चल नहीं सकती। आप सोचो कल अगर हमने हमारे देश में से इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट ट्रैफिक कंट्रोल वाला लॉ निकाल दिया, लॉ है तभी लोग सिग्नल तोड़ के जाते हैं, बोलो हाँ या ना। लॉ है फिर भी ट्रैफिक जाम होता है, नहीं रहता तो क्या होता, बोलो हाँ या ना। अच्छा जब तक घोड़ा गाड़ी थी, बैलगाड़ी थी, तब तक भी कोई टेंशन नहीं था। आपने कभी घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी का ट्रैफिक जाम नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको दिमाग होता है, घोड़े को बैल को, गाड़ी को दिमाग नहीं होता है, वो दिमाग यूज करते हैं चलाने वाले का, उसमें भी कोई औरत चला दे तो मतलब अरे सॉरी आई डोंट मीन, मतलब ऐसे थोड़ा सा बीच में आ गया था, ठीक है। नहीं, औरतें गाड़ियां बहुत अच्छी चलाती है, आई टोटली एग्री, ठीक है, वो याद ही नहीं आ रहा था, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बोले तो इंडिया से इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट अगर हम निकाल दे तो कल जाके ट्रैफिक जाम होगा,
एक्सीडेंट्स होंगे, समय वेस्ट होगा. एंड दैट्स वाई विद एवरी सिविलाइजेशन देर इज अ लॉ. इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशन है, हम्पी, गोकर्णा, और उन सिविलाइजेशन में भी लॉस थे. प्रॉब्लम यह था कि उसके मैन्यूस्क्रिप्ट हम डिस्कवर नहीं कर पाए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो लॉ ये सिविलाइजेशन के लिए आता है, सिविलाइजेशन के सेफ्टी के लिए. एक बार सज्जन बोलेंगे प्लीज, लॉ किसके लिए आता है? सिविलाइजेशन के सेफ्टी के लिए. चलो ये तो बहुत हो गया हिस्ट्री, लेट्स कम टू इंडिया. हमारे देश भारत का सबसे पहला लॉ कब बना था? एनीवन? और कौन सा बना था? अब कॉन्स्टिट्यूशन मत बोलना, मैंने आईसीआई वाला लॉ पहले डाल दिया उसके. फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिया, अर्थशास्त्र. ओके, आई विल रीस्ट्रक्चर बिकॉज अर्थशास्त्र बहुत पूछे, भृगु संहिता, मनुस्मृति, बारी बारी वर्ड सुने होंगे, है ना, वहां नहीं जाते. आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस विच इज अवर फॉर्मल फर्स्ट लॉ, इसका जवाब थोड़ा सा ट्रिकी है. पूछो क्यों, जोर से पूछो क्यों. क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे लॉज दो पार्ट में बंटे हैं, एक इंडिपेंडेंट भारत का लॉ और एक रिपब्लिक ऑफ भारत का लॉ. सर ऐसा भी होता है? यस, ऐसा भी होता है. सर क्या मजाक कर रहे हो, ये तो कभी सुना ही नहीं था. आई विल टेल यू, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा. इंडिपेंडेंट इंडिया का जो लॉ है या इंडिपेंडेंट भारत का जो लॉ है, इंडिया छोड़ो भारत, ठीक है, इंडिपेंडेंट भारत से प्यार है. सो इंडिपेंडेंट भारत का जो लॉ है उसमें भी दो कैटेगरीज के लॉ है, ठीक है. ये लॉ कब के है तो मैं आपको ईयर लिख के दे दूं, 1947 से लेके 1950 तक जितने लॉ बनाए या एक्सेप्ट किए वो इंडिपेंडेंट भारत के लॉज है. फॉर एग्जाम्पल, आपने ये पढ़े हैं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एक्चुअली नॉट मेड बाय अस. उसका ईयर 1872 है, 150 साल पुराना लॉ है. इज इट? बोलो हाँ या ना. और हमने बनाया था, कह रहे, जोर से बोलो, हमने बनाया था, कह रहे. किसने बना के दिया हमको? ब्रिटिशर्स ने बना के दिया भाई. और ब्रिटिशर्स ने हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना के दिया, वो हमने 1947 में ही एक्सेप्ट कर लिया. हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी राह नहीं देखे. आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपका सोगा जिसको सोजा भी बोलते हैं, आपका पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, इन एडिशन टू दिस, ये वो लॉज है जो हमने एक्सेप्ट किए. इसके साथ में और भी लॉज है, जैसे इंश्योरेंस एक्ट 1938, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 जो हमारे सिलेबस का है, ये हमने एक्सेप्ट किए हुए लॉज है. ये इंडिपेंडेंट इंडिया के लॉज है. तब रिपब्लिक ऑफ इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, रिपब्लिक ऑफ भारत एग्जिस्ट नहीं करता था. उसके बाद में हमने 1947 से 1950s में और लॉज बनाए, जैसे हमारा आईसीआई एक्ट विच इज ऑफ 1949. इसके साथ एक और लॉ है, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विच इज ऑल्सो ऑफ 1949. ये दोनों लॉज हमने बनाए हैं. ऐसे तो बहुत सारे बनाए, पर जो आपके नॉलेज में वो दो लिख रहा हूं. ये दोनों लॉज हमने 1947 से लेके 1950 में बनाए, जब ऑन पेपर हमारा देश एग्जिस्ट भी नहीं करता था. देयर वाज जस्ट वन एग्रीमेंट विद द ब्रिटिशर्स कि तुम्हारा देश आजाद हो चुका है, विच इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. ओनली द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सेड दैट यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर अ सेपरेट कंट्री. पर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान के पास भी था, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू कश्मीर के पास भी था जब जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट नहीं था, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हैदराबाद के निजाम के पास भी था जब हैदराबाद का निजाम भारत का पार्ट नहीं था. तो वो भी तो देश हुए. फिर जम्मू कश्मीर और निजाम के ऐड होने के बाद में हमने बनाया रिपब्लिक ऑफ इंडिया. रिपब्लिक ऑफ इंडिया तब बनता है, देखो बेटा, किसी भी देश को देश कौन बनाता है, कौन सी चीज बना, मुझे बताओ, तुम जिंदा हो इसका एविडेंस क्या है? प्लीज टेल मी, व्हाट इज द एविडेंस कि आप जिंदा हो? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड? नहीं सर, हम जिंदा दिख रहे हैं. हैव यू सीन द मूवी जहां पे आदमी जिंदा है और उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया है? पंकज त्रिपाठी का मूवी है और वो जिंदा है, वो रियल स्टोरी है. वो 6 साल तक, वो भाई 6 नहीं ज्यादा, कितने साल तक वो बंदा जिंदा है और उसके नाम पे कोई डॉक्यूमेंटेशन वो कर नहीं सकता क्योंकि उसका डेथ सर्टिफिकेट किसी ने गलती से इशू कर दिया. एंड इफ अ पेपर सेज दैट यू आर डेड, यू आर डेड इन इंडिया, यू आर डेड. या दैट्स अ फैक्ट, यू कैनॉट डू एनीथिंग.
तुम जाके पुलिस को नहीं बोल सकती कि मैं जिंदा हूं, दिख रहा हूं, बर्थ सर्टिफिकेट इशू करो। उसने आदमी ने यह भी ट्राई किया कि पुलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ एफआईआर हो जाए, पुलिस के कान के नीचे मार दी। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस ने एफआईआर बना दिया तो एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम आएगा कि यह बंदा जिंदा है। वो एफआईआर पुलिस ने बनाया, बाद में फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि पुलिस भी रिस्क लेने को रेडी नहीं था। तो आप जिंदा हो इसका एविडेंस क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट। आपने कई बार यह भी देखा होगा, लोग मर जाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं होता, उनके नाम पे स्टिल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जाते हैं टैक्स बचाने के लिए। हाँ, दिस इज द फैक्ट, दिस इज इंडिया, कुछ भी हो सकता है। जुगाड़ इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ या ना। सो तुम जिंदा हो इसका एविडेंस बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, बोलो हाँ या ना। वैसे देश जिंदा है इसका एविडेंस क्या है? हर देश जिंदा है इसका एविडेंस क्या है? दुनिया में 195 कंट्रीज है जिंदा, इसका एविडेंस क्या है? इन सब का एक एविडेंस होता है उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तब हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बने। उसके पहले सिर्फ हम इंडिपेंडेंट इंडियन थे। आफ्टर दैट 1950s में कॉन्स्टिट्यूशन आया, वी बिकम रिपब्लिक ऑफ इंडिया। एंड 1950s के बाद जितने भी लॉज इशू किए गए, ऑल दोज आर लॉज आर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया लॉज। आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013 रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जोर से बोले एक बार, यस और नो? सर 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 सर, अगर 1947 से 1950 में लॉ बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सर बना है 1950 में। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है? सब जन जोर से बोलो, कब बना है? 1950 में। तो सर पार्लियामेंट भी 1950s के बाद ही बना होगा। और इंडिया में लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। बोलो हाँ है ना, इसमें कोई डाउट है किसी को? पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो नहीं बनाती ना, हमारा ही पार्लियामेंट बनाता है ना। बोलो हाँ जोर से, यस और नो? सो पार्लियामेंट रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो पार्लियामेंट रहेगा। एवरीबडी प्लीज टेल, यस और नो? सो कॉन्स्टिट्यूशन है तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट है तो लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट टू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है तो लॉ है। तो फिर ये किसने बनाए? तो ये किसने बनाए? इंडिपेंडेंट इंडिया के लॉज किसने बनाए? ये वाले। प्लीज टेल मी, किसने बनाए? डू यू नो 1947 से लेकर 50 में हमने बिठाए थे फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी। सिर्फ गांधी जी नहीं, बहुत सारे लोग थे, नेताजी थे, सावरकर थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, कुछ बेचारे स्वर्गवासी हो गए, पर बहुत सारे, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वॉज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर। और ये सब लोगों ने बैठ के बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट, इन्होंने बनाया बैंक। तुमको सीए बनने का राइट फ्रीडम फाइटर्स ने दिया है। कॉलर टाइट कर लो दो मिनट के लिए, समझ में आ रहा है? छोड़ो यार सर, यहाँ लगी पड़ी है जीवन में, क्या फ्रीडम फाइटर है? हमको यहां से फ्रीडम चाहिए, कोई फाइटर है क्या? बट प्लीज डू अंडरस्टैंड हाउ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पहले व्हाट इमरजेंसी दे फेल्ड कि तुम्हारा लॉ बनाया जाए। ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बोले बाद में बनाएंगे और तुम्हारा लॉ पहले बनाएंगे? रीजन इज, सुनना चाहोगे दो मिनट के लिए? जोर से बोलो हाँ या ना। हमें इंडिया के ऑडिटर्स कहा जाता है, चेक करने वाले, और हम ये चेक करते हैं रूल्स के बेसिस पे चीजें सही चल रही है क्या, रूल के हिसाब से टैक्स पे किया क्या, रूल के हिसाब से कंपनी चल रही है क्या, ये हम चेक करते हैं। आप रूल्स बना दोगे पर चेक करने वाला ही नहीं होगा तो रूल्स का कोई फायदा है क्या? एक बार सब जन बोलो, रूल्स बना देंगे पर चेक करने वाला ही नहीं होगा तो रूल्स का कोई फायदा है क्या? ट्रैफिक सिग्नल है पर ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो बीच चौराहे पे इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट का मर्डर हो जाता है 5-10 बार। बोलो हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताइए, पहले चेक करने वाला चाहिए या पहले रूल्स चाहिए? इसलिए पहले चेक करने वाला और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज इट वेरी क्लियर एवरीबडी?
जोर से बोले एक बार ये सुनो, कंसेप्ट समझ में आया पक्का? ये है आपके टाइप्स ऑफ, मतलब बेसिक बनाने के हिसाब से कितने लॉज बन सकते हैं, बिफोर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आफ्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इज इट वेरी क्लियर एवरीबडी? जोर से बोले एक बार ये सुनो, इसको लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा हो तो कृपया कमेंट कर दीजिएगा समझ गया करके, और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। फेस टू फेस में भी अगर किसी को बहुत जोर से आ रही हो क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। या दैट मूवी का नाम कागज है, कागज, होमवर्क में देखना। अच्छा बहुत बढ़िया, एवरीबडी डन? बोलो हाँ या ना गाइस, सबका लिखना हो गया? लाइव स्ट्रीम में भी बोलिएगा। ओके, सो हमने यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिया देख लिया। शॉल वी मूव फॉरवर्ड गाइस? बोलो हाँ या ना, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने बनाया 1950s ने, किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जोर से बोलो किसने बनाया? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, राइट? बोलो हाँ है ना। सिर्फ उन्होंने बनाया क्या कि कोई और भी था? कौन था और? वो नहीं पता सर, बाबा साहेब अंबेडकर ऑब्वियसली वेरी नॉलेजेबल मैन, मतलब अपेक्स ऑफ हार्डवर्क यू कैन से विद, मतलब जबरदस्त तरीके से उन्होंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वो आदमी का जेन्युइनिटी यहां पर समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के बाद में, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जम्मू कश्मीर का आर्टिकल नंबर 370 इंसर्ट करने की बात चल रही थी राजा हरि सिंह के लिए, जिसके अंदर बहुत प्रक्षोभक क्लॉजेस थे, बहुत प्रक्षोभक। मैं एक सिंपल क्लॉज बोलता हूं, हालांकि जम्मू कश्मीर के ऊपर अपन वैसे भी जाने वाले हैं फेमा के अंदर, ठीक है, पर एक क्लॉज बोलता हूं सुन के आपका दिल दहल जाएगा। जम्मू कश्मीर में हर पर्सन की दो सिटीजनशिप होती है, जैसे तुम्हारी एज ए इंडियन सिटीजनशिप होती थी, जम्मू कश्मीर में दो थी हर पर्सन की। और जब जम्मू कश्मीर में किसी गवर्नमेंट ऑफिस पे जम्मू कश्मीर का फ्लैग, मतलब इंडिया का फ्लैग ऊपर लहराना होता था, तो पहले जम्मू कश्मीर के स्टेट का फ्लैग ऊपर जाता था, फिर इंडिया का फ्लैग ऊपर जाता था, उतरते वक्त इंडिया का फ्लैग नीचे, फिर जम्मू कश्मीर स्टेट का फ्लैग नीचे। जम्मू कश्मीर में नेशनल फ्लैग को जलाना ऑफेंस नहीं था। इंडिया में आप जला के देखो 5 लाख तक का जुर्माना, 3 साल तक की जेल है, पर जम्मू कश्मीर में यह चीज अलाउड थी। आप जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकते थे इवन डू यू आर इंडिपेंडेंट इंडियन। और ये आर्टिकल जब इंसर्ट करना था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को बोला डालो, अंबेडकर जी ने मना कर दिया मैं नहीं करूंगा, मेरे को इस देश को डिवाइड ही नहीं करने का है। ही जस्ट एस्केप, उन्होंने स्टेप बैक, मेरे को नहीं, मैं ये बनाएगा नहीं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मेरे नाम का लिख लो, ये नहीं बनेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गोपाल स्वामी अय्यंगर को पकड़ा, एंड गोपाल स्वामी अय्यंगर हैज ड्राफ्टेड आर्टिकल 370 एंड 35 ए, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एंड जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी ऑफ जम्मू कश्मीर इटसेल्फ। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फिर एनेक्टमेंट में लाया गया, जितने भी डिस्प्यूटेड क्लॉजेस है ऑल आर पुट बाय गोपाल स्वामी अय्यंगर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। अभी के डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे, इफेक्टिव आर्टिकल्स राइट नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग 444। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोले एक बार ये सुन, नो
नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आगे बढ़े तो फिर सवाल पैदा होता है कि सर आपने जैसे बोला कि पार्लियामेंट में लॉ पास होता है, तो कैसे पास करते हैं लॉ? एनीवन कैन टेल मी प्लीज? ये हो सकता है प्रोसेस फाउंडेशन में जो मुझसे पढ़े हैं उनको थोड़ा बहुत पता हो, ठीक है, याद है? तीन महीने हो गए सर, दैट्स व्हाई मैंने बोला कि आई एम टीचिंग यू लाइक तुमने पढ़ाई नहीं है, ओके, सो डोंट वरी. सो टेल मी, इंडिया में लॉ कैसे पास होता है? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड एंड जस्ट से. डरने का नहीं, बोल देने का. वो जो सुना है सर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट है आगे. हाँ बोल बेटा, नाम बोलो. आशुतोष, यस प्लीज. फर्स्ट ड्राफ्टिंग, वेरी गुड, ओके ओके. राज्यसभा, हाँ हाँ, ओके. प्रेसिडेंट, वेरी गुड. और उसके बाद एक्ट बन गया. इतना सर, इतना तो मेरे को भी नहीं पता था. बोलो आया ना, चलो बैठ जाओ. थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके. दो में इलेक्शन आ रहा है अभी. क्या तुम्हारी इच्छा है कि डैड के साथ बैठ के एग्जिट पोल के ऊपर अच्छा सा डिस्प्यूट करें? इसके पहले जब एग्जिट पोल आता तो तुमको घंटा नहीं समझ में आता था. एनडीए ने 350 सीटें लाई और तुम नेशनल डिफेंस एकेडमी काय को 350 सीटें ला रही है? इज इट? बोलो आया ना. यूपीए ने इतनी सीटें लाई. कौन यूपीए? उपमा लिखना था क्या? ओके. अब मैं जो प्रोसेस ले रहा हूं ना बेटा, हाईएस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाईएस्ट. इसमें मैं तुम्हें सिर्फ लॉ नहीं पढ़ा सकता, इसमें मैं तुम्हें इंडिया की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम समझाऊंगा और उसके साथ में फिर मैं तुम्हें लॉ समझाऊंगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते. दो जिस्म एक जान. अगर तुमने लॉ नहीं समझा ना तो तुम पॉलिटिकल सिस्टम नहीं समझ सकते, और तुम अगर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं समझे तुम लॉ नहीं समझ सकते, क्योंकि इस देश को चलाने के लिए लॉ की जरूरत है और देश को चलाती गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट देश को चलाती है, चलाने के लिए लॉ चाहिए. ए इज इक्वल टू बी, इज इट वेरी क्लियर? सो गवर्नमेंट कैसी बनती है शोज लॉ कैसे बनता है. आर यू गाइज अलर्ट? जोर से बोलो हाँ या ना. एक पेज लीजिए मस्त वाला, पूरा नया चाहिए, आधा अधूरा पेज नहीं, न्यू पेज, नया कंसेप्ट, नया पेज. माई बुक माई रूल्स, स्टिल योर बुक माई रूल्स, ठीक है. सो नया पेज, उसको बीच में से एक प्रॉपर बीच में से एक लाइन डिवाइड कीजिए मार्जिन छोड़ के. ठीक है, ऐसे दो तीन पेजेस करके रखिए. ठीक है, दो पेजेस मैक्सिमम तीन करके रखिए. पहले पेज पे हाफ डिवाइडेड पेज का बहुत ज्यादा यूज होगा ऐसा नहीं है, बट स्टिल हम उसको बना के रख रहे हैं सो दैट बीच में हमें डिस्टर्ब ना हो. थैंक यू सो मच बेटा प्रदीप. रजिस्टर का फिलहाल सिर्फ एक ही कॉपी मेंटेन करना है बेटा. चलो एवरीवन डन विद दिस? बोलो हाँ आया ना. सिर्फ डिवाइड करके रखिए, ठीक है. आपको पहले पेज के ऊपर हो सकता है कि आधा पेज आपको नॉर्मली यूज करना पड़े, बट स्टिल मैंने एक प्रोविजन करके रखा है, ठीक है, कि आपको बीच में डिस्टर्ब ना हो. जैसा मैं लिखूंगा वैसे चलते जाना. अब सबसे पहला सवाल यहां पे होता है हाउ लॉ इज पास्ट. एक बार सबजन बोलो, क्या सवाल पैदा होता है? सबजन बोलेंगे क्या होता है हाउ लॉ इज पास्ट. उसके पहले आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉज आर देयर इन इंडिया. कितने कैटेगरीज के लॉज है इंडिया में गाइस? तीन कैटेगरी, यस इरशाद. यूनियन का, स्टेट का, कॉन्करेंट का, याद है सबको? बोलो हाँ या ना. ओके, ये मैंने बोला था, मैंने बोला था ना. ओके, जिसने फाउंडेशन पढ़ा होगा प्रोबेबली याद होगा, पर यहां पे थोड़ा और डिटेल जाते हैं. कैटेगरीज ऑफ लॉ आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक जो सिस्टम में लिखा है, इफ नॉट रिटन इन द सिस्टम फाइंड आउट फ्रॉम कस्टम.
इफ नॉट रिटन इन द सिस्टम फाइंड आउट फ्रॉम कस्टम. सो सबसे पहले हम कस्टमरी लॉज देख लेते हैं कि इंडिया में कस्टमरी कैटेगरीज ऑफ लॉज कितने आते हैं, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर इन इंडिया कस्टमरीली. अब कस्टम मतलब लोगों ने एक्सेप्ट किए हुए लॉज, बोलो हाँ या ना. फॉर दैट पर्पज लेट मी शो यू समथिंग. सो अगर मैं आपको बोलू लॉज इन इंडिया फ्रॉम द विकिपीडिया, बिकॉज विकिपीडिया इज द हाईएस्ट एक्सेप्टेड कस्टम, राइट. सब जन इसी को सर्च विकिपीडिया पता है, ये भी एक वेबसाइट होती है, इसके ऊपर भी जाना होता है, ठीक है. सो इफ यू गो ऑन विकिपीडिया, इफ यू फोकस ऑन द लेफ्ट, इंडिया के लॉज के बारे में उन्हें पूरा हिस्ट्री वगैरह हर चीज देके रखा है. इट्स इजीली अवेलेबल, यू कैन ऑल्सो एक्सेस दैट व्हेनेवर यू विश. उसके ऊपर हिस्ट्री छोड़ दो और फिर देखो आप लॉ के कैटेगरीज कस्टमरीली कितने बनाए गए हैं. और सब जन साथ में पढ़ेंगे इसको, रेडी सब जन, 1 2 3 बोलो क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, इसका कोई एग्जाम्पल बोल सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा है? इंडियन सिविल कोड, इंडियन पिनल कोड, अभी वो रिप्लेस होने वाले, बोलो हाँ आया ना. दूसरा वाला क्रिमिनल लॉज, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बोलो हाँ आया ना. देन कॉन्ट्रैक्ट लॉज, आय, देन लेबर लॉज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेटुटी, बोनस, आया ना. देन कंपनी लॉ, आय, देन टॉर्ट लॉ, व्हाट इज टॉर्ट? सिविल लॉज, रॉन्गफुल एक्ट वगैरह के लिए, चैम्पर्टी वगैरह, फ्रॉड वॉर्ड, ठीक है. देन प्रॉपर्टी लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, टोपा. देन टैक्स लॉज, आय, ट्रस्ट लॉज, इंडियन ट्रस्ट वगैरह से रिगार्डिंग लॉज, फैमिली लॉज, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, एंड कौन सा बोले एक बार, फारसी लॉ, जितने धर्म है उसके हिसाब से. लॉ फॉर द एनफोर्समेंट, जैसे पुलिस सर्विसेज के लॉज, दिख रहा है सबको, बोलो हाँ या ना. लॉ फॉर द रिफॉर्म्स, जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट वगैरह, जिसमें रिफॉर्म्स लिखे जाते हैं वगैरह. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर्स टू इंडिया, दैट्स इट. इतने कैटेगरीज के कस्टमरी लॉज है इंडिया के अंदर. इज इट वेरी क्लियर? दीज आर रफली 9 to 10 कैटेगरीज. कितने कैटेगरीज बोले एक बार, उसे 9 to 10. नाउ पूरा ध्यान अगर आप बोर्ड के ऊपर प्लीज देते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है. जस्ट फोकस. सो अगर मैं बोलू कस्टम वाले लॉज, तो देर आर हाउ मेनी कैटेगरीज बोले एक बार, 9 to 10. उसमें से हमको कौन कौन से कैटेगरीज अप्लीकेबल है, वी विल जस्ट राइट देम डाउन. सबसे पहले हमको कॉर्पोरेट लॉज अप्लीकेबल है, प्लीज राइट डाउन. Start with this. How law is passed? How many categories of laws are there? लिखा सबने, बोलो हाँ ना. एवरीबडी इज राइटिंग डाउन, लास्ट बेंचेस, सबको क्लियर है, बोलो हाँ ना. ओके, सबसे पहले लॉस कौन से बोले एक बार, उसे कॉर्पोरेट लॉस जो हमको एप्लीकेबल है. सेकंड हमको और कौन से लॉ एप्लीकेबल है, तो इकोनॉमिक लॉस. व्हाट इज इकोनॉमिक लॉस? द लॉज विच आर रिलेटेड टू करेंसीज मैनेजमेंट, जैसे फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो हमको इकोनॉमिक लॉ करके एप्लीकेबल है, बोलो हाँ ना. एंड थर्ड कैटेगरीज ऑफ लॉ विच आर कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन लॉ, जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट, रिफॉर्म लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये. तो ये तीन मेन कैटेगरीज हमारे सिलेबस के हैं. 9-10 कैटेगरीज में से मेन तीन कैटेगरीज के ऊपर हम खेलने वाले हैं. सबको समझ में आ रहा है बच्चों? सर 3.5 घंटा टैक्स पेल दिया, तुम 1 घंटे से लॉ पेल रहे हो, हमारे कुछ बच्चे की जान लोगे आज? प्लीज ट्राई कि आप पहले 20 दिन तक बने रहो. हाँ अच्छा, ऐसा नहीं है तुम अकेले हो, हम भी ऐसे ही पास हुए हैं. हमारे लिए कोई अलग सिस्टम था कह रहे, उल्टा तुम्हारी बुक्स तो भी अच्छे हैं, टीचर तो भी अच्छे से पढ़ा रहे, और तुम एसी में बैठे हो. हम 3 टप्पर में पढ़ते थे, हमारी ब्लैक एंड व्हाइट बुक थी, 200 पेजेस में लॉ खत्म. खत्म मतलब पूरा खत्म, आएगा कुछ नहीं, समझ में आ रहा है? सो 20-25 दिन तक बनाए रखे, फिर इसके बाद में ये जिंदगी नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगी. कि मेरी लाइफ तो, इज इट वेरी क्लियर? मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कभी सुधरेगा, ये सुधर ही नहीं सकता अनलेस एंड अंटिल यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. 5 साल सेक्रीफाइस करो, 50 साल इज्जत से जियो, पैसे के साथ. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, इसलिए मैं कोट सूट पहन के आया, मोटिवेशन. समझ में आ रहा है पक्का सबको? यस और नो? सो प्लीज फोकस. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड
कि सेकंड लेक्चर है, इतने इसमें तो फाउंडेशन के चार सब्जेक्ट खत्म हो जाते थे एक एक घंटे का एक, और पिछले सर मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ घड़ी में 5 ही मिनट आगे बढ़ी है. इज इट? बोलो हाँ है ना. प्लीज स्टे विथ मी. ठीक है, प्लीज, दिस हैज टू हैपन, अदरवाइज अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा. समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना. चलो मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो एकदम, फोकस. ओके, लेट्स गो. सो हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉज आर देयर? सब जन बोले एक बार, कितने? तीन. पहला कौन सा है? कॉर्पोरेट. दूसरा कौन सा है? इकोनॉमिक. तीसरा कौन सा है? इंटरप्रिटेशन. ठीक है, कॉर्पोरेट में कंपनी और LLP, इकोनॉमिक में फेमा, इंटरप्रिटेशन में GCA एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. अब ये तीन कैटेगरीज हमारे सिलेबस के हुए. टोटल कैटेगरीज अभी हमने 9 से 10 पढ़े. चलो वो विकिपीडिया के हमारे काम के नहीं, हमारे काम के ये तीन ही है, तो जितना काम का है उतना लेने का. इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ आना. नेक्स्ट वाली चीज, सिस्टम के हिसाब से कितने लॉज है? तो सिस्टम के हिसाब से भी तीन लॉज बनते हैं, दैट इज यूनियन लॉ, स्टेट लॉ, लिखिए प्लीज, एंड कॉन्करेंट लॉ. यूनियन लॉ, स्टेट लॉ एंड कॉन्करेंट लॉ. लिखा सबने? जोर से बोले ये सर ना. एवरीबडी रिटन दिस डाउन. ओके, मुझे बताओ ये यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लॉ कहां से आया? कॉन्स्टिट्यूशन से आया. एनीवन नोज द आर्टिकल वगैरह? कुछ तो जिंदगी थोड़ा सा लिटिल लिटिल, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ. एनीवन प्लीज टेल मी, लास्ट बेंचेस में से किसी को कुछ पता है? सर हम तो फर्स्ट डे एकदम चिल मारने आए थे यहां पे. बोलो. यस, आर्टिकल 246. वेरी गुड, शानदार, आई मस्ट क्लैप फॉर यू. पर 246 से तीन लॉ आते हैं, ये पास कौन से आर्टिकल में होता है? आर्टिकल 245. शानदार, बहुत एक जोरदार ताली है, याद आ रहा है कुछ बच्चों को, गुड थिंग. ठीक है, ऐसे एक दूसरे को थोड़ा सा ताली बजा के प्रमोट करते रहो. ठीक है, अदरवाइज सब गजनी है, मुझे मालूम है. गजनी को भी 15 मिनट्स याद रखने की आदत है, तुम्हारा वो भी भरोसा नहीं है. ठीक है, सो दो आर्टिकल कृपया याद रखे, कौन कौन से बोले एक बार? 245 246. इस चार्ट के एडिशन में अब मैं बहुत अच्छा चार्ट दे रहा हूं, इसको कृपया बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा. ठीक है, सो आई एम जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द नोट्स. अच्छा लंबा चार्ट बनेगा, जस्ट बी विथ द बैच. ओके, फोकस कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से. आर यू गाइस रेडी? डिस्कशन बहुत तगड़ा होने वाला है, बट जस्ट बी प्रिपेयर्ड. रेडी, लेट्स गो. सो मैं लिख रहा हूं हाउ टू पास अ लॉ इन इंडिया. इसके पहले मैं लिखूंगा हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉज इन इंडिया. कैटेगरीज ऑफ लॉज इन इंडिया के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारा मेन जो लॉ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एक बार सब जन बोलो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अभी मैंने आपको कितने आर्टिकल्स बोले? 448. इफेक्टिव नियरली कितना होगा बोले एक बार? 444. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक आर्टिकल नंबर दिया गया है, दैट इज आर्टिकल नंबर 245. आर्टिकल नंबर कौन सा सब जन बोले एक बार? 245. विच सेज दैट, विच स्पेसिफिकली सेज दैट कि इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया ओनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ओनली क्या बोले एक बार? उसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया. क्या बोले एक बार? उसे स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया कैन पास द लॉ. सर ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया ये अलग अलग क्यों है? मुझे एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट पूरे देश को अप्लीकेबल है या सिर्फ महाराष्ट्र को अप्लीकेबल है? जोर से बोलो, कंपनीज एक्ट पूरे देश को अप्लीकेबल है या सिर्फ महाराष्ट्र को अप्लीकेबल है? पूरे देश को. महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम, घर के खीर में विमल ही डालने का फिर. अरे दाने दाने में केसर का दम. सो मुझे एक बात बताओ, महाराष्ट्र में गुटखा बैन है? थ्योरेटिकली, अरे है या नहीं है? बट फिर भी बेचा जा रहा है ना. अच्छा, महाराष्ट्र ने जब गुटखा बैन किया था क्या पूरे देश में बैन हो गया था? गुजरात में लिकर बैन है, इट इज अ ड्राई स्टेट. अयोध्या में भी स्पेसिफिक जगह पे लिकर और ये सब चीजें बैन करके रखी है. बोलो हाँ है ना. KFC ने अयोध्या में आउटलेट खोला, सुना होगा तुमने, उसने नॉनवेज बेचना बंद कर दिया वहां पे. KFC नाम ही चिकन है उसका, केंचुकी फ्राइड चिकन. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो कुछ स्टेट में, बिहार में भी लिकर बैन है, यकीन नहीं होता पर है. तो मुझे एक बात बताओ, पूरा देश में लिकर बैन है क्या?
कुछ कुछ स्टेट तो सिर्फ लिकर के भरोसे पे चल रहे हैं। गोवा को तीर्थ क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। बोलो आया ना। सो स्टेट लेजिस्लेचर इसलिए क्योंकि वो स्टेट के रिगार्डिंग लॉ बना पाए। पार्लियामेंट ये लॉ बनाता है पूरे देश के लिए, स्टेट लॉ बनाता है स्टेट के लिए। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले ऐसा ना। पर आपको भी पता है पार्लियामेंट में कौन बैठे रहते हैं? सभी गधे घोड़े एक साथ। बोलो हाँ या ना। और सब जन इतने तो आपको लगता है, कह रहे सच में, कुछ मिनिस्टर्स को देख के आपको सच में लगता है कुछ मिनिस्टर्स को देख के कि वो लॉजिकली कुछ सोच पाएंगे या उनका इतना रिसर्च होगा कि वो लॉ बना पाएंगे या इतना सोच सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट को ढूंढ पाएंगे? लगता है क्या आपको? इज इट पॉसिबल? बोलो हाँ या ना। तो इन लोगों को ना नहीं पता इनको किन चीजों पे लॉ बनाने हैं। इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर जी को मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 240 के बाद एक आर्टिकल डाला 246। बोले पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लॉ बनाएगी, पर जो मैं बोलूंगा सिर्फ उसके ऊपर लॉ बनाएगी। और उन्होंने 246 में लिखा कि लॉज इन द इंडिया, लॉज इन कहां बोले एक बार, इंडिया और द स्टेट शॉल बी मेड एज पर शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लॉज इन द इंडिया शुड बी मेड एज पर शेड्यूल नंबर 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या है, इंडिया। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की थैंक यू भाई साहब कि उन्होंने लिटरली ड्राफ्ट करके दिए हैं सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर लॉ बनाने हैं। सब्जेक्ट था लिटरली सब्जेक्ट, आई विल जस्ट शो यू, जस्ट वेट। और उन्होंने तीन मेन कैटेगरीज लिखे लॉ के। वन इज कॉल्ड एज यूनियन लॉ, सेकंड इज कॉल्ड एज स्टेट लॉ, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज कॉनकरेंट लॉ। सर व्हाट इज यूनियन लॉ? द लॉ विच इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया, पूरे देश को एप्लीकेबल है भाई साहब, बिना किसी दो मत के, इवन नॉट जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू एंड कश्मीर के बारे में दो मत था, अभी यूनियन टेरिटोरी है। लेह लद्दाख के लिए दो मत था, अभी यूनियन टेरिटोरी है। और अभी तो गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिपत्य में आती है वो, बिकॉज यूनियन टेरिटोरी है। तो अब तो जम्मू कश्मीर, तुमने कॉन्ट्रैक्ट शायद जब पढ़ा होगा, प्रोबेबली आई डोंट नो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहला ही एमसीक्यू पूछा जाता था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एमसीक्यू में टिक करना पड़ता था जम्मू कश्मीर को। वो अब रहा नहीं सिचुएशन, अभी तुम लॉ पास करोगे जम्मू कश्मीर के एंड तक, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक, सर्जिकल स्ट्राइक। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। जोर से बोले एक बार, यस नो? सो दिस इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट लॉ इज एप्लीकेबल टू एंटायर स्टेट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्करेंट लॉ। सर ये क्या होता है जीवन में? अब मैं एक्चुअली आपको कॉन्करेंट लॉ का एग्जांपल स्ट्रेट अवे नहीं दे सकता क्योंकि ऐसा कभी लॉ आपने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आपको एक सिमिलर से लॉ का एग्जांपल दे रहा हूं, पर वो कॉन्करेंट नहीं है, उसका स्पेशल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर मैं कॉन्करेंट जैसा बताने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ। खाना खाने गए हो होटल में? अरे बोलो ना हाँ या ना। खाना खाने के बाद बिल आया है, एक तो बिल भरना पड़ता, नहीं तो बर्तन घसना पड़ता। और बिल के ऊपर तुमने देखा होगा होटल में 2.5% CGST, 2.5% SGST। क्या है वो CGST SGST? सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, कॉन्करेंट। ऐसा लॉ जो सेंट्रल और स्टेट के हिसाब से अलग अलग मॉडिफाई किया जा सकता है, पर लॉ एक ही है, दैट इज कॉन्करेंट। सो जीएसटी, मैं ये नहीं कह रहा ये कॉन्करेंट लॉ ही है, नो, इसका अलग प्राविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, पर इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्करेंट लॉ। मतलब आप इसे एक फील ले सकते हो कि कॉन्करेंट लॉ कैसा होता होगा। आप देखना कल जाके महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड किया कि SGST, स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी, हमें बढ़ाना है 2.5% से 5% करना है, तो क्या महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इसको बढ़ा सकती है? नहीं बढ़ा सकती है, बिल्कुल बढ़ा सकती है, अलाउड है, एंड दैट्स व्हाई इट इज SGST। पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट कभी बढ़ाएगी नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम सेम सरकार चुन के नहीं आएगी, क्योंकि तुमने सेंटर से ज्यादा टैक्स लगा दिया ना भाई, तो नेक्स्ट टाइम फिर सेंटर की सरकार चूज करके आएगी। फिलहाल महाराष्ट्र में तो वैसे भी कंफ्यूजन है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना। सो टू टेल यू, कॉन्करेंट लॉ इज अप्लीकेबल टू अ कंट्री, मतलब इंडिया, एज वेल एज टू द स्टेट अकॉर्डिंग टू सम चेंजेस। भाई साहब अब पूरे देश के लिए लॉ बनाना है, दैट इज यूनियन लॉ। सर कितने सब्जेक्ट लिखे सर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने? 97 सब्जेक्ट्स।
सर स्टेट के ऊपर कितने सब्जेक्ट्स लिखे? 66 सब्जेक्ट्स। सर कॉन्करेंट के ऊपर कितने सब्जेक्ट लिखे? 47 सब्जेक्ट्स। और नहीं पता, नहीं देखा है, कृपया ध्यान दे, बहुत अच्छे से ध्यान दे। ये मैं खोल रहा हूं आर्टिकल 246 शेड्यूल नंबर 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिखा है ऊपर आर्टिकल 246 दिशा। अरे दिशा कहां है? उसके नीचे लिखा है शेड्यूल 7। बोलो हाँ या ना? लिस्ट वन, नाम पढ़ो, जोर से नाम पढ़ो प्लीज, एक बार और जोर से पढ़ो। क्या नाम है? यूनियन लिस्ट। आप देखो पहले वाले लॉज डिफेंस, इसको याद रखना थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, लिटिल लिटिल, एक बहुत अच्छा लिंक क्रिएट करके दूंगा कल के लेक्चर के लिए, ठीक है? पहले लॉज आप सिर्फ नाम देखो, डिफेंस लॉ, नेवल लॉ, डिप्लॉयमेंट लॉ, उसके बाद में नेवल आर्म, फायर आर्म्स, एटॉमिक एनर्जी, इंडस्ट्री, सेंट्रल ब्यूरो, डिप्लोमैट्स, यहां से आप आगे चलो वॉर, पीस, सिटीजनशिप। 20th नंबर से आप अगर देखोगे ना, एकदम से टॉपिक चेंज हो रहा है, पिलग्रिमेज पे आ गए। इसके पहले सब बातें चल रही थी वॉर वॉर, ये वो फलना डकना, डिफेंस विफेंस, सब कुछ। एकदम से 20th पे वो आ गए पिलग्रिमेज। और 20th के बाद वाले देखो, पिलग्रिमेज, रेलवेज, हाईवेज, शिपिंग, मैरिटाइम, लाइट हाउसेस। क्या डिफरेंस हुआ है ये 20 से पहले, 19 तक के, और 19 के बाद 20 से क्या फर्क पड़ा है? ये चीज अगर आप जान लोगे ना, आप लॉ का पूरा बेस जान लोगे। सिर्फ इतना आप समझ जाओ जिंदगी में, सिर्फ इतना कि 19 तक के क्या लिखा था और 19 के बाद एकदम से 20 में क्या हो गया। 19 तक की जितनी चीजें लिखी है ना, वो सेफ्टी की लिखी है। काहे की लिखी है? सेफ्टी। और 20 से जो चीजें लिखी है ना, वो बेनिफिट की लिखी है। हाईवेज तुमको सेफ्टी नहीं देते, पिलग्रिमेज तुमको सेफ्टी, प्रोबेबली डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आप सेफ्टी मांगने भगवान के पास जा सकते हैं ना, हाँ है ना, बट स्टिल इट इज काउंटेड एज बेनिफिट। बोलो हाईवेज काउंटेड, रेलवेज काउंटेड एज बेनिफिट, बोलो हाँ या ना, एवरीबॉडी यस और नो। सो 19 तक के क्या चल रहा था? सेफ्टी। 20 से क्या शुरू हो गया? बेनिफिट। इससे हम लॉ के पहले दो पिलर्स जान सकते हैं। लॉ का पहला प्रायोरिटी हमेशा क्या होगा? सेफ्टी। लॉ का दूसरा प्रायोरिटी क्या होगा? बेनिफिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर सर, अगर ये यूनियन लॉ है जिंदगी में, और ये यूनियन लॉ के अंदर सर कंपनीज एक्ट भी यूनियन लॉ है सर, वो हमारे सिलेबस में सर कंपनीज एक्ट, तो बताओ इधर किधर है? तो मानेंगे जीवन में कि तुमको आता है। एंट्री नंबर 43, एंट्री नंबर 44 यूनियन लॉ अंबेडकर जी के हस्ताक्षर में पढ़िए, सॉरी टाइपिंग में पढ़िए। रेडी 1 2 3 बोलो क्या है? इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन वाइंडिंग अप ऑफ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग बैंकिंग इंश्योरेंस फिनेंशियल कॉर्पोरेशन बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 44 पढ़ लीजिए। इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन वाइंडिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेशन वेदर ट्रेडिंग और नॉट विथ ऑब्जेक्ट कन्फाइंड टू वन स्टेट बट नॉट इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज। ये दो वो आर्टिकल है जिसमें तुमने कंपनीज एक्ट बनाया है, LLP एक्ट बनाया है, जिसके डेफिनेशन और प्रिलिमिनरी चैप्टर तुमने पढ़ लिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर नो। थोड़ा सा टैली करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंट्री नंबर 45, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंट्री नंबर 46, इंश्योरेंस एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 48, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंट्री नंबर 49, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ द गुड्स, सो ऑन एंड सो फार। आप चलते जाइए, जितने भी यूनियन लॉज है इन्हीं एंट्रीज में मिलेंगे टिल एंट्री नंबर 97। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले यस और नो। फिर आता है स्टेट लॉ। मुझे बताओ, यूनियन के हाथ में चलो इतनी चीजें हैं, स्टेट के हाथ में भी कुछ चीजें होती है। आई हैव हर्ड लॉटरी स्टेट चलाता है। लॉटरी कौन चलाता है? नहीं पता। अच्छा, लीकर स्टेट चलाता है दारू, ये बराबर पता है तुमको? सर नहीं, वो पी लिया, सिर्फ सट्टा खेलना बाकी है। अच्छा, गुटका स्टेट चलाता है। अच्छा, डू यू नो हर स्टेट का पुलिस अलग होता है, ये पता है? ट्रैफिक पुलिस भी अलग होता है, ये पता है? पक्का पता है? बहुत बढ़िया। स्टेट लॉ पहला वाला, दूसरा वाला लॉ पढ़िए क्या लिखा है। पुलिस, ये कौन सा लिस्ट है बोले एक बार? स्टेट। स्टेट में भी पहले सेफ्टी, स्टेट में भी पहले सेफ्टी। पुलिस क्या डिजिग्नेट करता है? बेनिफिट डिजिग्नेट करता है।
नहीं, पुलिस का डिजिग्नेट करता है सेफ्टी। चलते जाइए, स्टेट का प्रिजन्स भी अलग होता है, स्टेट के ऑफिसर्स भी अलग होते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी अलग होता है। ये देखो तुम्हारा एकदम फेवरेट लॉ, एंट्री नंबर 8, लिकर और गुटके के लिए स्पेसिफिकली। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये कौन गवर्न कर रहा है, जोर से बोले एक बार, स्टेट। चलते जाइए, कहां तक चल सकते हैं स्टेट लॉ में, प्लीज टेल मी, कितने एंट्रीज बोलेगा इस मैंने? दैट इज एंट्री नंबर कौन से बोले एक बार, 66 एंड कॉन्करेंट लिस्ट शुरू। कॉन्करेंट लिस्ट ऑब्वियसली पहले डिफेंस वाले लॉज, उसके बाद में आपके बेनिफिट वाले लॉज। कितने एंट्रीज बोले थे कॉन्करेंट में? 47। अगर इंडिया में कोई लॉ बना है या बनेगा तो इसी लिस्ट में से बनेगा। सर व्हाट इफ जिंदगी में ऐसा नया सब्जेक्ट आ गया जो पहले किसी को नहीं पता था और उसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत आई, क्योंकि सर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वर्ल्ड चेंज हो रहा है और ये लिस्ट को अमेंड करने की जरूरत है, शेड्यूल 7 को अमेंड करने की जरूरत है, तो सर क्या करें? क्या ये लिस्ट में नया लॉ ऐड कर सकते हैं, नया सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक, हो सकता है नहीं? बोलो हाँ या ना, हो सकता है या नहीं, जोर से बोलो, हो सकता है या नहीं? ये दिख रहे हो, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो प्लीज? क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? पहला ये लाइन नंबर कौन सा है बोले एक बार, 33A। दैट मींस ये पहले से होगा या बाद में अमेंड करके डाला होगा? बाद में अमेंड करके डाला होगा। एवरीबॉडी यस और नो? दैट मींस इस लिस्ट के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, पर इस चेंजेस को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी लगता है। नॉर्मल किसी को लॉ भी पास करने के लिए मेजोरिटी लगता है, सिर्फ इसको पास करने के लिए लगता है 2/3 मेजोरिटी। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये तीन टाइप के मैंने लिस्ट बोल दिए। कौन कौन से लिस्ट बोल दिए गाइस एक बार वापस से बोलो? यूनियन, दूसरा कौन सा है? स्टेट, और तीसरा कौन सा है? कॉन्करेंट। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आया पक्का? तो चलो कुछ इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं, और कौन पास करेगा वो लिख लेते हैं। मुझे कैन यू टेल मी यूनियन लॉ कौन पास करेगा, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर? सब जन जोर से बोलो, कौन पास करेगा? सो लिखे इसके नीचे पार्लियामेंट। स्टेट लॉ कौन पास करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। पहले से किसी ने अगर नहीं लिखा होगा, जस्ट वेट फॉर इट, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा चार्ट, ठीक है? और कॉन्करेंट लॉ कौन पास करता है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के बाद किसके पास आएगा बोले एक बार? जो से स्टेट लेजिस्लेचर। Is it very clear? सबको समझ में आया? ओके, एग्जाम्पल बोलिए यूनियन लॉ के। कैन यू टेल मी द एग्जाम्पल्स गाइस? अपने ही सिलेबस के बोलने हैं। कौन कौन से है? एवरीबडी प्लीज टेल मी, कौन कौन से है? द कंपनीज एक्ट 2000 क्या बोले एक बार? जो से 13। कंपनीज को नॉर्मली मैं सीओ करके लिखता हूं, ठीक है? सो कंपनीज एक्ट 2013। कैन आई से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा इज ऑल्सो यूनियन लॉ? बोलो हाँ या ना? ओके, स्टेट लॉ का एग्जाम्पल लिकर, गुटखा, यस और नो? कॉन्करेंट लॉ का एग्जांपल अभी तक हमको नहीं पता है, बट सिमिलर टू जीएसटी, सिमिलर लिखिएगा कृपया। जीएसटी एक्ट का ईयर कौन सा है? 2017। इज इट वेरी क्लियर गाइस? यहां तक समझ में आया पक्का एवरीबडी? चलो जिसको चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक जो जो भी आपको चाहिए लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। ओके, लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है प्लीज मेंशन मी। ये लिखना कौन से साइड है? ये बीच में लिखना है, सेंटर में। अभी तक के मैंने डिवीजन शुरू नहीं किया है, डोंट वरी। ये नॉर्मल सेंटर में लिखते जाइए, पूरा का पूरा पेज यूज कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड। इसके बाद हम प्रोसेस डिवाइड करने वाले हैं। हैंडराइटिंग एकदम मस्त है ना मेरी? अरे नो रिस्पॉन्स एट ऑल, ब्लू टिक नो रिप्लाई। हैंडराइटिंग खराब रही, आदमी जल्दी सीए बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं जिनकी अच्छी अब खराब करने पे आ जाए। चलो डन, डू इट फास्ट।
शरडन लाइव में लिखना हो जाए बोल दीजिएगा प्लीज। बुक्स कब तक मिलेगी? आज वगैरह डिलीवरी शुरू हो जाएगा बेटा, मेनली लाइव स्ट्रीम के लिए। फेस टू फेस के लिए मैं आपको मेंशन करूंगा, क्योंकि आपको दोनों तीनों सब्जेक्ट की बुक एक साथ कलेक्ट करनी है, तो आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा। सो डोंट वरी, ठीक है? पहले वैसे भी एक दो दिन में आपको बुक्स नहीं लगने वाली, सो रिलैक्स, रजिस्टर में ही लिखना है मैक्सिमम सब। चलो हो गया सबका गाइस, लास्ट बेंचेस डन, एवरीबॉडी डन, साइड्स बोलो हाँ या ना, सबका हो गया लिखना। चलो अब मैं शुरू कर रहा हूं मेन प्रोसेस के साथ में, दैट इज अ प्रोसेस टू पास द लॉ। मुझे एक बात बताओ, मैंने कैटेगरीज कितने बोले हैं? सबजन बोलेंगे एक बार, एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, कितने कैटेगरीज है? तीन, जोर से बोलो कितने कैटेगरीज है? तीन। अब तीन कैटेगरीज है पर प्रोसेस सिर्फ दो है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ पार्लियामेंट है और क्या है बोले एक बार, जो से स्टेट लेजिस्लेचर। सो हम प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले पार्लियामेंट और दूसरा कौन सा बोले एक बार, स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ प्लीज फोकस, बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वी आर स्टार्टिंग हाउ टू पास द लॉ। सबसे पहला चीज जो होता है वो होता है किसी भी लॉ का ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मतलब लिखना। मैं इसके साथ एक मस्त चीज करने वाला हूं, पूछो क्या। मैं इसके साथ पूरा आपको कंपनीज एक्ट का स्टोरी भी बोल दूंगा कि कंपनीज एक्ट किस प्रकार से पास हुआ है, तो आपका कंपनीज एक्ट का हिस्ट्री इसी के साथ कंप्लीट होगा, ठीक है? और एग्जांपल भी हो जाएगा, प्रोसेस भी समझ में आएगा। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? जोर से बोलो यस और नो। सो कंपनीज एक्ट का ड्राफ्टिंग, आपको पता है कंपनीज एक्ट आया 2013 में, पर कंपनीज एक्ट का पहला जो ड्राफ्ट था ना, वो आपका पुट किया गया था 2008 वाला। 2008 में पुट किया हुआ ड्राफ्ट तीन बार अमेंड हुआ, चार बार अमेंड हुआ और फिर 2013 में पास हुआ। सो बिल, इस ड्राफ्ट को नॉर्मली कहा जाता है बिल। इट वाज अ कंपनीज बिल 2008, अमेंड हुआ 2010, अमेंड हुआ 2012। 2012 का जो बिल था वो 2013 अगस्त में पास हुआ, तो बिल का ईयर था 2012, अगस्त में पास हुआ 2013, तो एक्ट का ईयर हुआ 2013, बट बिल कौन से साल का था? 2012। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सुनो, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली। अब सवाल ये उठता है, ये बिल या ड्राफ्ट कौन बना सकता है? एनीवन? कोई भी बना सकता है? तुम बना सकते हो? नो सर, यस सर, मेरे को घर जाना है। क्या तुम बिल बना सकते हो? बोलो हाँ या ना। वेदर यू कैन मेक अ बिल? मैं बना सकता हूं? हाँ सर, आप तो लॉ पढ़ा दो, हाँ आप तो बना सी। हम भी बना सकते हैं पर हमारी कोई सुनेगा नहीं, ठीक है? हालांकि एक्चुअली बिल कोई भी बना सकता है। हैव यू हर्ड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? अरविंद केजरीवाल जी, और ये तब उन्होंने तब बनाया था जब वो कुछ नहीं थे, वो तब कुछ बने जब अन्ना हजारे जी ने अनशन किया, याद है? नियरली तुम पैदा हुए होंगे, नहीं नहीं हाँ हाँ कि नहीं नहीं पैदा कब हुए तुम? नियरली बहुत पहले पैदा हो गए थे सर, 2005 में पैदा हुए, आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज 2008 और 2009, जब वो अन्ना हजारे जी का अनशन हुआ था, तुम छोटे बच्चे थे, छोटी चड्डी पहन, बड़ी शरारत। अगे सर, 2008 में अरविंद केजरीवाल जी ने लोकपाल बिल भी बनाया और वो भी अन्ना हजारे जी के वजह से पास हुआ। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ ना। एंड देन ही बिकम इनटू अ पॉलिटिकल सिस्टम। पर जब इन्होंने आरटीआई और लोकपाल बिल बनाया, एक्चुअली उस वक्त वो कुछ नहीं थे। इसका मतलब यह है कि ड्राफ्ट कोई भी बना सकता है, पर वो पास करवाने के लिए एक तो तुम्हें पार्लियामेंट्री पावर चाहिए, नहीं तो अन्ना हजारे चाहिए, दोनों में से कोई एक चलेगा। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस सर नो। तो ये चीज को तुमने दिमाग में फिट रखना, दोनों में से कोई एक चीज तो अपने को चाहिए बिल बनाने के लिए, ठीक है? चलो बिल बन गया। बिल बनने के बाद इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट सुना है सबने? क्या होता है पार्लियामेंट? व्हाट इज पार्लियामेंट? जहां झगड़े उगड़े होते हैं, चेयर वेयर फेंक के मारते हैं, माइक वाइक फेंक के मारते हैं, बोलो हाँ या ना, नोटों के बंडल दिखा के घुसखोरी करते हैं, मोबाइल पे खुद ही ने बैन किए हुए साइट्स को देखते हैं। सीरियसली यार, बोलो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा, खुद ही देख रहे पार्लियामेंट में, कोई तथ्य है इस बात की? क्या ही बोलना जीवन में। बोले सिर्फ वीडियो नहीं देखेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली वी आर रूल्ड बाय दीज पीपल। एनीवेज, हमारे काम की चीज है कि दिस इज द पार्लियामेंट और इनके सामने लॉ आता है। यहां पे इस लॉ का फर्स्ट रीडिंग किया जाता है। क्या किया जाता है बोले एक बार, जो से फर्स्ट रीडिंग, जोर से बोलो क्या किया जाता है? फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग के बाद में यह लॉ जाता है पब्लिक के पास। किसके पास जाता है? पब्लिक। अगर यूनियन लॉ है तो देश की पब्लिक के पास जाएगा, और अगर स्टेट लॉ है
तो स्टेट की पब्लिक के पास जाएगा। क्यों जाता है पब्लिक के पास? क्योंकि पब्लिक इसके ऊपर कमेंट कर पाए कि इनको ये लॉ कैसा लगा। डू यू नो तुम्हारा जो न्यू सिलेबस आया है, इट इज अमेंडमेंट टू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949, दिस इज अ अमेंडमेंट टू द आईसीएआई एक्ट, तुम्हारा नया सिलेबस। आपको पता है इसको भी पब्लिक ओपिनियन के लिए ओपन किया गया था कि बच्चों को बोलो बच्चों कि तुमको कैसा चाहिए। बच्चे कमेंट करके आए सीए इंटर से 6 सब्जेक्ट हटा दो। सो पब्लिक कुछ भी कमेंट कर सकती है। उधर बात चल रही है कि भाई इधर फाइनल में लॉ चाहिए नहीं, सोनम गुप्ता बेवफा है। इज इट बोलो आया ना, पब्लिक कुछ भी कमेंट कर सकती है। दैट्स व्हाई इन कमेंट्स को प्रिसाइजली फिल्टर करने के लिए, दिमाग लगाने के लिए, वी हैव टू हैव कमिटीज, वी हैव टू हैव कमिटी। मैं कंपनीज एक्ट का एग्जाम्पल आपको दे रहा था। कंपनीज एक्ट का पहला बिल बना 2008 में, उसके बाद में पार्लियामेंट में पुट किया गया, फर्स्ट रीडिंग किया गया। फर्स्ट रीडिंग सचिन पायलट जी ने किया था इसका। सचिन पायलट उस वक्त के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के चेयरमैन थे, कांग्रेस गवर्नमेंट के। राजस्थान से आज के डेट में ही इज अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार ऐसा नो। हमारे कंपनीज एक्ट की एक बहुत खास बात है, पूछो क्या? पास कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है, इंप्लीमेंट बीजेपी कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसके भी आपको चेंजेस मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट पास करने वाले कोई और रहे और इंप्लीमेंट करने वाले कोई और रहे तो क्या धींगाना हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल थिंग। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? फिर उसके बाद में अगर हम आगे जाए तो इंडिया के पब्लिक ने इसके ऊपर कमेंट किया, पर ये कमेंट को फिल्टर करने के लिए कंपनीज एक्ट में 4 कमिटीज बनाई गई थी। कितने कमिटीज? 4। एक इंटरनेशनल कमिटी थी, 3 इंडियन कमिटी थी, 5 कमिटीज थी, 5 में से 2 इंटरनेशनल थी और 3 इंडियन थी। 2 इंटरनेशनल कमिटीज का नाम है कैडबरी कमिटी एंड कोहेन कमिटी। 3 इंडियन कमिटीज का नाम नारायण मूर्ति कमिटी, कुमार मंगलम बिरला कमिटी, सर जे ईरानी कमिटी। ये 5 कमिटीज ने मिलकर सभी कमेंट्स को, अब ऑब्वियसली फालतू वाले कमेंट नारायण मूर्ति जी नहीं पढ़ने वाले, उसके लिए भी टीम होती है, दे फिल्टर आउट जो काम के कमेंट होते हैं, किसी क्रिटिक ने दिए है, किसी ने व्यू दिया है, किसी ने ओपिनियन दिया है, सब जमा करते हैं और सभी कमिटीज बैठ के विचार करते हैं कि भैया इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए क्या। आप देख सकते हो ओल्ड कंपनीज एक्ट और न्यू कंपनीज एक्ट में तगड़े डिफरेंसेस है। सबसे पहला प्राइमरी डिफरेंस जो आंखों देखे दिखता है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा आंखों देखे डिफरेंस दिखता है वन वुमन डायरेक्टर। हर बड़ी कंपनी में एक वुमन डायरेक्टर होना जरूरी है, सबका मन लगा रहना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ या ना। आफ्टर दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑडिट कमिटी, रेमुनरेशन कमिटी। सो ऐसे कितने तो भी नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो कंपनीज एक्ट में इन कमिटीज ने इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले एक बार यस और नो। एक बार कमिटीज ने लॉ पास कर दिया, फिर वापस से ये जाता है पार्लियामेंट के पास। वापस से किसके पास जाता है? पार्लियामेंट। पर इस बार मैं अभी आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक साइड मैंने रखा है पार्लियामेंट, एक साइड मैंने रखा है स्टेट लेजिस्लेचर। कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर? सर इतना बता दिए हो तो ये भी बोल दो थोड़ा सा। अच्छा मुझे बता, इलेक्शन आ रही, इलेक्शन 2024 के? मित्रों मेरा प्यारा देशवासियों, मुझे बताओ 2024 में दो इलेक्शन आने वाला है। दो इलेक्शन आने वाला है, वो किसके हैं? क्या वो भारत सरकार का इलेक्शन है या महाराष्ट्र राज्य के? महाराष्ट्र राज्य के है ना, वो मोदी जी जबरदस्ती प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे महाराष्ट्र राज्य के इलेक्शन के लिए ना। नहीं तुम्हारा कंफ्यूजन जायज है क्योंकि पता ही नहीं महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। अब बात समझिएगा और बहुत प्यार से समझिएगा, यहां से तुम्हारा इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम खोल के अंदर पिला दूंगा। सिर्फ फोकस कीजिएगा। घोल के बोला मैंने भिखारी, नालायक कैसे लोग यार जीवन में, ये मेरा भी दिमाग ही खराब है। एनीवेज हाँ, सो पूरा फोकस करना अच्छे तरीके से, पूरा फोकस, प्लीज पूरा फोकस कीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल भारत सरकार, कितने तो भी ट्रैफिक में चलती हुई गाड़ियों के ऊपर आपने लिखा होगा, देखा होगा भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया, बोलो।
और कितने गाड़ियों पे देखा होगा महाराष्ट्र सरकार, बोलो हाँ या ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है? प्राइम मिनिस्टर जहां बैठता है वो भारत सरकार है, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर बैठता है और अपोजिशन भी पार्लियामेंट में ही बैठता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अरे आया ना। और चीफ मिनिस्टर जो बैठते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में, मुख्यमंत्री वो स्टेट लेजिस्लेचर में बैठता है, वो क्या चार सालों से पीपीटी बना रहा था ना मैं तो सब आ गए। सो प्राइम मिनिस्टर कहां पे बैठते हैं? सब जन बोलेंगे, सब जन, खास करके लड़कियां, मतलब मुझे बताओ प्राइम मिनिस्टर कहां बैठते हैं? पार्लियामेंट दिल्ली, जहां अभी अभी नया आपको पता है वो कितने कितने नियरली 400-500 करोड़ का वो नया वाला पार्लियामेंट का हाउस बनाया, बताया क्यों? बोलो हाँ है ना। अभी तक के ऐसा चल रहा था कि हम पार्लियामेंट जहां पे कंडक्ट करते थे ना उसका सालाना खर्चा रेंटल का, और वो सब रेंटल जा रहा था, समझ गए होंगे, ठीक है, नाम नहीं ले सकते। सो सब रेंटल जा रहा था ओल्ड गवर्नमेंट के हाउसेस को, जो लोगों ने ऑक्यूपाई करके रखे थे। अभी नया हाउस बनाने के वजह से नियरली हर साल सिर्फ पार्लियामेंट कंडक्ट करने का हम 140 करोड़ का रेंट बचा रहे हैं, और 400 करोड़ में तो पार्लियामेंट बन गया। सो तीन साल में पूरा का पूरा कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। अदरवाइज पिछले 70 सालों से नियरली 140 करोड़ हम सिर्फ रेंट के पे कर रहे हैं। पैसा किसका? हमारा है, टैक्स का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? एंड दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, काय को बनाया, इतना पैसा लगाया, फलना ढकना, ठीक है, नहीं बनाते तो कंसिस्टेंट कितना कॉस्ट था? दैट वाज नेसेसरी। इज इट वेरी क्लियर? सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जहां पे बैठते हैं दैट इज अ पार्लियामेंट, मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं दैट इज अ स्टेट लेजिस्लेचर, जिनको हिंदी में पता है उनके लिए लोकसभा में बैठते हैं प्रधानमंत्री। जोर से बोलो, लोकसभा में बैठते हैं प्रधानमंत्री, विधानसभा में बैठते हैं मुख्यमंत्री। 2024 में अभी जो इलेक्शन आने वाला है जिसकी वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है, दैट इज द यूनियन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का इलेक्शन है वो, जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी मतलब खासदार सिलेक्ट किए जाएंगे, और 2024 के एंड में, 5 साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट का खत्म हो जाएगा, तो 2024 एंड या 2025 में वापस से इलेक्शन आएगा जिसके अंदर हम मुख्यमंत्री को वापस से एक बार सिलेक्ट करेंगे। Are you understanding मैं क्या कह रहा हूं? जिसके अंदर MLAs बैठते हैं, Member of Legislative Assembly, because विधानसभा को State Legislative Assembly बोला जाता है, आमदार, विधायक। Is it very clear मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, सुन लो। अरे बोलो ना हाँ या ना। इसको और डिटेल में फाड़ू, सुनना अच्छे से, अब घुस जाएंगे इसके अंदर अपन, ठीक है? Are you guys ready? जोर से बोले सुन लो, मुंडे मुंडे सेट को स्ट्रेट बैठो, बहुत अच्छे से सुनिएगा, मैं पूरा पॉलिटिकल सिस्टम एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि यही वो मैजिक नंबर्स है जिसके ऊपर हम लॉ बना सकते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूं, चलो हम स्टेट का तो बात नहीं कर सकते, 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटोरीज है, तो उनका तो बोल ही नहीं सकते। लेट्स स्टिक टू द इंडिया, ठीक है, लेट्स स्टिक टू इंडिया। पार्लियामेंट में सबसे पहले है कौन, बोले एक बार जोर से, लोकसभा। लोकसभा इस प्यार से कॉल्ड एज हाउस ऑफ पीपल इन द इंग्लिश। लोकसभा में जो बैठते उन्हें कहा जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में इनको कहा जाता है खासदार। लोकसभा को एक और नाम है लोअर हाउस। कौन सा हाउस बोले एक बार? लोअर, क्योंकि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा में थोड़े पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, इसका इनवर्स ओपिनियन निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो भी बैठे लोकसभा के अंदर, लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स होते हैं। 545 में से 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। हु इज एंग्लो इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव्स? 1947 में ब्रिटिशर्स जब हमको छोड़ के चले गए थे तो कई सारे फारसी, कई सारे ब्रिटिशर्स और कई सारे दूसरे देशों के लोग जैसे पोर्तुगल्स वगैरह ये इंडिया में बस गए, एंड दोज आर कॉल्ड एज एंग्लो इंडियंस, और उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव परमानेंटली पार्लियामेंट में चाहिए थे, तो हमने 2 ऐसे लोग लगाए जो हमारे देश के नहीं है, उनके प्रोटेक्शन के लिए हमने अपॉइंट करके रखे। Is it very clear मैं क्या कह रहा हूं? बचे हुए 543 में से हमको अगर स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनानी है, 2024 के इलेक्शन में काम में आने वाला है, स्पष्ट बहुमत की सरकार 272 वोट्स के ऊपर, 272 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर बन सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये मैजिक नंबर है। ये कौन सा नंबर है?
जोर से बोलो कौन सा नंबर है, और जोर से कौन सा नंबर है, क्योंकि यही वो नंबर है जिसके वजह से लॉ पास होता है, यही नंबर से सरकार बनती है और यही नंबर से लॉ भी, तुम्हारा कंपनीज एक्ट भी इसी नंबर से बना, फेमा भी इसी नंबर से बना, जितने भी लॉज आप इंडिया में देखोगे तुम्हारे सिलेबस या सिलेबस के बाहर के, अगर वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लॉज है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो यही वो नंबर है जो चलता है। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो यस और नो। अब सरकार की बात करते हैं, सरकार की, क्योंकि जो देश चलाता है वो लॉ चलाता है और लॉ के थ्रू देश को चलाता है। इज इट, बोलो हाँ या ना। हैव यू हर्ड एनडीए अदर देन नेशनल डिफेंस एकेडमी? व्हाट इज एनडीए? बोलो। इट इज कॉल्ड एज द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी प्लस रीजनल अलाइड पार्टीज, दिस इज एनडीए। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी आधा राष्ट्रवादी आधा शिवसेना, काय झाडी काय डोंगर काय हॉटेल, ओके। बोलो हाँ है ना। उस वक्त आया था ना ये कोर्ट, यस और नो, जब एकनाथ शिंदे वाला गढ़ बाहर निकल गया था। बोलो यस और नो। दे टुगेदर फ्लोट्स एनडीए इन महाराष्ट्र, तो अपोजिट में भी कुछ आएगा, यूपी ए, ये पहले था, अभी इसको इंडी कहा जाता है, इंडी में भी अभी बिहार में कांड हो गया नीतीश कुमार जी जो इंडी के प्रमोटर थे अगेंस्ट बीजेपी, जिन्होंने खुद ने इंडी बनाया, वो खुद ही बाहर निकल गए, बोले मेरे को मुख्यमंत्री बनने का है, एंड गॉन विद द बीजेपी। समझ में आ रहा है सब? ये सब मिलके अपने को पागल बना रहे, मैं बता रहा हूं तुमको, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। कुछ भी हो सकता है। यूपीए इज अ कांग्रेस प्लस रीजनल अलाइड पार्टीज, कांग्रेस प्लस रीजनल अलाइड पार्टीज। तो इसके बाद में एग्जिट पोल में, अब सुनिएगा, अगर आपको स्पष्ट बहुमत वाली सरकार चाहिए तो एनडीए के मिनिमम 272 सीट्स आनी चाहिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के। सो पूना के इलेक्शन होंगे, उसमें से बीजेपी का कैंडिडेट आएगा, ऐसे पूरे देश में जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो सिलेक्ट होंगे। अगर ये टोटल कैंडिडेट्स 272 के ऊपर है तो आपकी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है, अदरवाइज अगर 272 मिल बांट के आ रहा है तो उसे त्रिशंकु सभा कहते हैं, कि थ्री पार्टीज आर रूलिंग द सिचुएशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोलो यस और नो। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? लास्ट बेंचेस बोलो हाँ है ना। क्लियर है सबको? बोलो यस और नो। लाइव स्ट्रीम वाले कृपया कनेक्टेड रहिएगा प्लीज, ठीक है। नाउ आई एम टेलिंग यू, 2014 में बीजेपी ने, एनडीए ने 305 सीटें जीती थी जब पहली बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। 2019 के इलेक्शन में वापस 305 सीटें जीती, पर सिर्फ बीजेपी नहीं जीती, ऊपर से अलाइड पार्टीज ने ऐड कर दी तो 355 सीटों पे पहुंच गए, 355 सीट्स आउट ऑफ 545। आपने अगर पार्लियामेंट का नजारा देखा होगा ना तो अपोजिशन ऐसे एक कोने में बैठा है और इधर पूरा एनडीए। और आपको अब बताता हूं एक चीज जो बहुत गौर से सुनिएगा, जब इतना पावरफुल मतदान होके एक सरकार इतने वोटों के साथ चुन के आती है ना, तब हिस्ट्री बनती है। आर्टिकल नंबर 370 एक झटके में उड़ा दिया, वोट भी नहीं किया, सिर्फ डेस्क बजाया था। स्पीकर ने पूछा आर्टिकल 370 उड़ाना है क्या, सब दन 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 दन, डेस्क बजाने की आवाज चिल्लाने से ज्यादा थी वे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उड़ गया 35 हुए, उड़ गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उड़ सब लगा दिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लगा दिए, वो नहीं क्या बीच में आया था सीएए जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, गुड आइडिया, वेरी गुड। क्यों? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट स्पीक्स अबाउट व्हाट, कि अगर तुम्हारे घर में 10 लोग हैं तो 10 लोगों का राशन किस प्रकार से लाना चाहिए और बटना चाहिए। पर व्हाट इफ तुम्हारे घर में 10 लोग ऑन रिकॉर्ड्स है और 3 लोग छुपे छुपाए हुए हैं जो तुम्हें भी नहीं पता तुम्हारे घर में रहे हैं और तुम राशन 10 लोगों का ला रहे हो, तो लग गई भाई। बस यही हो रहा था, इसलिए हमने डॉक्यूमेंटेशन कंफर्म करे कि भाई बताओ तुम इंडिया के नागरिक हो, कोई भी डॉक्यूमेंट, बचपन से बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल की टीसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड को पैन कार्ड से, वो भी चलता था। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसमें से कुछ भी ला लो, ये भी नहीं होगा तो एक पहचान वाले को ला लो, जिसने इतना बोल दिया मेरा दोस्त है इधर ही रहता है, तो भी तुमको ले लेते थे।
अगर इतना ही नहीं है तो बहुत बड़ा डाउट है। कंसेप्ट समझ में है? दैट वाज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो गवर्नमेंट ने ऐसे तक, मैं आपको बताता हूं 2019 में इलेक्शन हुआ, 2020 का ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट्री सेशन देखिएगा, 125% इफिशियंसी पे चला था। नॉर्मल 75 साल की हिस्ट्री में 60% इफिशियंसी के ऊपर लॉ पास किए गए बेटा। ये वो सेशन था 125% इफिशियंसी। पहली बार ऐसा हो रहा था कि ये ऐसे पास कर रहे थे तो बनाने वाले को बहुत फास्ट बनाना पड़ रहा था रॉ मटेरियल। ये इधर ला 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 ला, अरे रुको, ड्राफ्ट कर रहा हूं, रुको ना। दैट वॉज अ केस। इतने जोश में आ गए, इतने जोश में आ गए, चार कृषि कानून लागू कर दिए। बस यही तो मार खा गए। गवर्नमेंट स्ट्रांग होने का डिसएडवांटेज, जो चीजें लगनी नहीं चाहिए वो भी लगा देते हैं, और अपोजिशन वीक होने का डिसएडवांटेज है ये। अपोजिशन भी स्ट्रांग चाहिए भाई, जरूरी है, और लॉजिकल भी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने चार कृषि कानून लगाए, खुद होके टीवी पे आने के बाद में खुद ने रिवोक करने पड़े। दिस इज जस्ट बिकॉज बहुत जोश में आ गए थे। दिख ही रहा था पूरा पार्लियामेंट अपने बाप का है, बोलो हाँ या ना, अपन जैसे चाहे। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन फॉर 2024? 400 सोच रहे, 400। तो अपोजिशन क्या करे, जॉब छोड़ दे? ना भाई, मैं आपको फ्रेंकली बोलू, आई एग्री गवर्नमेंट काम कर रही है सब 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 सब, पर भाई ये भी जरूरी है कि अपोजिशन स्ट्रांग चाहिए तो गलतियां कम होती है, प्रेशर रहता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर देश के बारे में सोच रहे, इकोनॉमी थर्ड हो गई, बहुत अच्छी बात है, वी टोटली एग्री, बट कुछ कुछ चाहिए, कुछ तो चाहिए लॉजिकल, कुछ कुछ। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? जोर से बोले एक बार, ये सुनो, दिस इज द मैजिक नंबर 272, याद रखिएगा, जो भी लॉ है इसके थ्रू पास हुआ है। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो हाँ या ना। यहां पे 272 वोट्स मिलने के बाद ये लॉ आता है राज्यसभा में। राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, इसमें से 12 खुद प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं खुद के हाथों से। ये पढ़े लिखे अच्छे क्लास वाले लोग होते हैं, जबरदस्त वाले। सचिन तेंदुलकर मेंबर ऑफ राज्यसभा, स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जावेद अख्तर मेंबर ऑफ राज्यसभा, लिटरेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। विजय माल्या फ्रॉड को रिप्रेजेंट करने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ है ना। विजय माल्या ने तो राज्यसभा का ऐसा यूज किया है, आपको पता है उसके पहले इंडियन एयरलाइन एयर इंडिया के नॉन प्रॉफिट होने के पीछे का रीजन ही विजय माल्या है। उसने पीक टाइमिंग वाले एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन के जो एयरलाइंस थे ना, उसके टाइमिंग और टाइमिंग कर दी, और खुद के किंगफिशर के एयरलाइंस उसने पीक टाइमिंग में लगाए थे। फॉर एग्जांपल, आप सवेरे दिल्ली जा रहे हो पूना से, आप सवेरे 7-8 बजे की फ्लाइट पकड़ोगे, दिल्ली जाओगे, काम करोगे, शाम को 5-6 बजे वापस आओगे। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन के फ्लाइट्स दोनों साइड लगे हुए थे। विजय माल्या राज्यसभा में आया, लेटर वेटर लिखे, सब ऑड टाइमिंग, रात को 2 बजे फ्लाइट निकल रही दिल्ली की, एयर इंडिया की, कौन जाएगा? सवेरे 6-7 बजे किंगफिशर की एयरलाइंस। पर तकलीफ वही थी, he was following Virgin Airlines, Richard Branson. If you don't know, he is the person जो विजय माल्या टाइप्स वाला, मतलब वो ओरिजिनल है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। और रिचर्ड ब्रांसन ने हाई कॉस्ट एयरलाइंस, लग्जरी एयरलाइंस को फेमस करके दिखाया यूएस में। विजय माल्या वॉन्ट टू फॉलो द सेम। जिस फ्लाइट का 2000 रुपए का टिकट हुआ करता था, विजय माल्या यूज टू चार्ज 6000। वो भूल गया इंडिया इतना गरीब देश है कि एयर हॉस्टेस को देखने के 6000 नहीं देता। Are you understanding? उसके लिए हम वेबसाइट्स, एनीवेज, सो बेसिकली अगर देखा जाए 245 में से 12 मेंबर्स ये कौन इलेक्ट करता है, बोले एक बार, जो से प्रेसिडेंट। और इन 245 में से आपको वोट्स लगते हैं 233। कितने जोर से बोले एक बार, 123। सो 245 का एग्जैक्टली हाफ प्लस 1। इज इट वेरी क्लियर? अब राज्यसभा में यह चीज पास हो गई, लोकसभा में पास हो गई, तो जाके इसको नाम दिया जाता है एक्ट। क्या नाम दिया जाता है? एक्ट। और फिर यह जाता है प्रेसिडेंट जी के पास। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू जी। क्या खास बात होती है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में, क्या फर्क होता है रे? ओके, एक जवाब आया है, प्रेसिडेंट
के ऊपर कोई भी लिटिगेशन या कोई भी दाग नहीं चाहिए, बात सही है। और एक जवाब आया है कि प्रेसिडेंट के साइन के सिवा लॉ पास नहीं हो सकता है, क्या ये सेंटेंस सही है, प्रेसिडेंट के साइन के सिवा लॉ नहीं पास हो सकता है? एनीवन? आई विल कम टू दिस, ठीक है, जस्ट वेट। फर्स्ट, द्रौपदी मुर्मू जी रामनाथ कोविंद जी, अरुण जेटली जी, अरुण जेटली ना, प्रतिभाताई पाटिल जी और एपीजे अब्दुल कलाम जी, सबको अगर, इसके पहले की भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, सबको अगर आप देखोगे तो आप एक कॉमन चीज ऑब्जर्व करोगे, नन ऑफ देम हैव एवर फेस्ड और एवर स्टेप्ड अप इनटू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इनके खिलाफ ना कोई लिटिगेशन है, नॉट इवन कोई असेसमेंट का नोटिस है, ना ही इनके ऊपर कोई समन है। दोज आर अटमोस्ट क्लीन कैरेक्टर। जेल में गया हुआ बंदा या समन किया हुआ बंदा या नोटिस दिया हुआ बंदा कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, पर जेल में गया हुआ बंदा प्राइम मिनिस्टर जरूर बन सकता है। 1973 आनी बानी इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, पूरे बीजेपी को जेल में डाल दिया था। जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, एलके अडवाणी, ये सब जेल में थे, बट स्टिल दे आर प्राइम मिनिस्टर। वन ऑफ, मतलब मेनी ऑफ द प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट, वन ऑफ देम वाज द प्राइम मिनिस्टर आल्सो, पर प्रेसिडेंट नहीं हो सकता ऐसा। प्रेसिडेंट क्लीन कैरेक्टर चाहिए, अटमोस्ट क्लीन कैरेक्टर। एपीजे अब्दुल कलाम पूरे देश के सबसे अच्छे कैरेक्टर्स में गिने जाता है, अ मैन विद द जीरो हेटर्स, इसलिए उनको पीपल प्रेसिडेंट कहा जाता है। प्रतिभाताई पाटिल जी द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, हाईली एजुकेटेड, वो भी अमरावती से बिलोंग करते हैं, मैं भी अमरावती से बिलोंग करता हूं, सो आई नो देम पर्सनली, बट दे डोंट नो मी, ठीक है। थर्ड, उसके बाद में आप देख लीजिए अरुण जेटली जी या कोई भी, रामनाथ कोविंद जी, द्रौपदी मुर्मू, द खास थिंग इज शी बिलोंग्स फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी एंड वेरी सक्सेसफुल फ्रॉम सच कम्युनिटी। तो प्रेसिडेंट ऐसा होना चाहिए जिससे एग्जाम्पल सेट हो, प्राइम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए जिससे पावर सेट हो। इज इट वेरी क्लियर? तो ये लॉ जब एक्ट बनता है, इट कम्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वंस अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पासेस द सेम, इट बिकम्स अ एक्ट फॉर एंटायर इंडिया। इज इट वेरी क्लियर? क्या प्रेसिडेंट लॉ को मना कर सकता है? द प्रेसिडेंट कैन ओनली रिजेक्ट द लॉ ओनली वन टाइम, दैट इज कॉल्ड वेटो पावर, दैट टू विद द रीजंस। ऐसे नहीं बिल्कुल अपू, नहीं, प्रेसिडेंट को रीजन देना पड़ेगा कि तुम क्यों लॉ को रिजेक्ट, क्योंकि तू जो 140 करोड़ की जनता के 545 रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन्होंने हाँ बोला है, तो आप अकेले होते कौन हो इसको मना करने वाले? ये तो आपका रिस्पेक्ट है, आप इंडिया के पहले नागरिक बोले गए, इसलिए आपसे पढ़वा रहे भाई साहब। तो आप अगर जब मना करो तो आप बताइए कि रीजन क्या है। नेक्स्ट टाइम भले हम वो रीजन माने या वो रीजन ना माने, आपको लॉ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके पास पावर नहीं है। हमने माना भी नहीं, आपने जो इंप्लीमेंटेशन बोले हमने नहीं सुने, हमने वापस पार्लियामेंट में सेम पास किया और आपको बोला करो साइन, तो करना पड़ेगा। तो ये प्रेसिडेंट का वेटो पावर होता है। कौन सा पावर होता है? वेटो। एक और खास बात समझो, कोई लॉ बहुत जोर से आया कि यही हो जाएगा समझो कोई लॉ बहुत जोर से आया, इमरजेंसी में आया, जैसे कोविड जैसे लॉस, तो क्या करिए? पार्लियामेंट्री सेशंस के लिए रुकी इतना सब तामझाम। इस केस में पता है आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, ऑर्डिनेंस स्टैंडिंग कमिटी से उठाओ, सीधा प्रेसिडेंट के पास लेके जाओ, पार्लियामेंट को स्किप कर दो, प्रेसिडेंट साइन करेगा और लिखेगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट इन नेक्स्ट सेशन। खास करके कोविड में ये हुआ था क्योंकि पार्लियामेंट बैठ ही नहीं सकती थी, तो कोविड के जितने भी लॉज है वो ऑर्डिनेंस के तौर पर पास किए गए कि स्टैंडिंग कमिटी ने अप्रूव किया, स्ट्रेट अवे प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया। तुम्हारे सिलेबस में भी कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 है, जो बाद में पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट करने के बाद कंपनीज एक्ट 2020 बना, अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये ऑर्डिनेंस होता है, ये लव स्टोरी है किसके बीच में? स्टैंडिंग कमिटी एंड प्रेसिडेंट। और दूसरा तरीका होता है ज्वाइंट सेशन। एक बार सज्जन जोर से बोलेंगे, कौन सा सेशन? जोर से बोलो, कौन सा सेशन? व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइंट सेशन? लोकसभा और राज्यसभा दोनों को साथ में बिठा दो, क्योंकि बहुत जोर से आया है ना। पूरे इंडिया के 75 साल के हिस्ट्री में सिर्फ तीन लॉज, ओनली थ्री लॉज आर कंसिडर्ड इन ज्वाइंट सेशन, ओनली टू आर पास्ट। द फर्स्ट वन इज डाउरी प्रोहिबिशन 1961,
ये 1961 में पास हुआ क्योंकि 1950 एक चीज याद है, बोलू चलेगा एक मिनट के लिए? अरे बोलो ना, आया ना, सब सुनोगे अच्छे से? मेंटेलिटी सुनना क्या है, अंग्रेज जब हमें छोड़ के गए, इस केस में मैं जानबूझ के छोड़ के वर्ड यूज करूंगा, रीजन बीइंग अंग्रेज जब हमें छोड़ के गए तो कुछ चीजें वो साथ में लेके गए रे, कौन सी? बेसिक एटिकेट्स एंड मैनर्स। अंग्रेज जब तक इंडिया में थे ना, वुमन हैरेसमेंट, स्त्री भ्रूण हत्या, हुंडा, ऐसी चीजों के ऊपर रोक लगी थी क्योंकि उनके कल्चर में वो कभी ये करते नहीं थे। दूसरा, जब वो हमें छोड़ दिए तो हमारा कल्चर तो मिटा दिया था, ऑलरेडी मिटा दिया था अंग्रेजों ने, और खुद का कल्चर भी लेके चले गए। तो आपने देखना इंडिया में वुमन अब्यूज के, स्त्री भ्रूण हत्या के, नो एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड के सबसे ज्यादा केसेस 1950s से लेके 1960s में है। डाउरी की वजह से मारपीट, जलाना, ये सबसे ज्यादा केसेस तब है क्योंकि बेसिक एटिकेट्स अंग्रेज लेके चले गए और ओरिजिनल कल्चर जिसमें हमारे एटिकेट लिखे थे वो कल्चर उन्होंने मिटा दिया था। इतने केसेस बढ़े कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोनों सेशंस को 1961 में एक साथ बिठाना पड़ा कि दिस इज मोर देन इनफ नाउ, और दोनों सेशंस ने मिलकर अगेंस्ट डाउरी लॉ पास किया है जस्ट टू प्रोटेक्ट द वुमन। दिस वॉज द फर्स्ट केस ऑफ ज्वाइंट सेशन। उसके बाद सीधा 2002 प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी। आपको पता है 1985 में टाडा था, टेररिस्ट डिसरप्टिव एक्टिविटीज लॉ। 1985 के लॉ के अमेंडमेंट के लिए पब्लिक कब से चिल्ला रही थी इसको चेंज करो, उसके अंदर टेररिज्म के लिए क्या कैदे बामुशक्कत, मतलब तुम उसको रखो भी और पोसो भी तुम ही। लोग बोल रहे फांसी दो, हाँ कैदे बामुशक्कत। 85 के बाद में 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 95 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 2000 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2001 में यहां बाजू में पार्लियामेंट में बम फटा, इधर पार्लियामेंट के अंदर बम फटा बे, अबे मजाक है क्या? तुम्हारा देश जो लोग चला रहे वही बम फटा, गलत बात है, उसमें कुछ मरे भी नहीं, बेकार बेकार तो जाने चाहिए थे। और जब बम फटा तो इनकी आंखें तो फटी, साथ में कुछ और भी फटा, तो इनको पता चला हे भगवान, अभी तक तो 500-600 लोग मर रहे थे ओनली, नाउ नो वन इज डाइंग इन द पार्लियामेंट बट दे कैन। तो इन्होंने फिर 2002 में ज्वाइंट सेशन लिया, बोले जितनों की फटी है साथ में आ जाओ। एंड ज्वाइंट सेशन में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी लॉ पास किया जिसके अंदर टेररिज्म के लिए सीधा फांसी बोली है, कोई डिस्प्यूट नहीं, कुछ नहीं, कसाब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर द ओनली टू लॉज। एक और बीच में रखा गया था 65 के आसपास, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपिलेशन बिल, पर वो पास नहीं हो पाया। दिस वॉज रिगार्डिंग कि बैंकिंग सर्विसेज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के जितने भी एम्प्लॉयज बाद में थे उनको रिलैक्सेशन दिया जाए, पर उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि एनीवेज आरबीआई स्ट्रक्चर में आ गया था। क्लियर है सर? तो दो ही लॉज कहां पास हुए, ज्वाइंट सेशन। तो अगर लॉ बहुत जोर से आए, एक बार सब जन बोलो लॉ बहुत जोर से आए, दो बच्चे, एक बार सब लोग, मैं क्या अगर अकेला करूं क्या जीवन है, सब जन साथ में रेडी, हाँ दो बच्चे। पहला कौन सा? ऑर्डिनेंस। जो एक्शन नहीं करेगा वो वहां पे भी नहीं कर पाएगा। अरे ध्यान। सो कितने? दो बच्चे। पहला कौन सा? ऑर्डिनेंस। दूसरा कौन सा? ज्वाइंट सेशन। इज इट वेरी क्लियर? और प्रेसिडेंट का वेटो पावर भूलिएगा नहीं सर, पूरा देश पे बोल दिया, स्टेट का तो कुछ बोलो, वो भी बोलना पड़ेगा ना। स्टेट में होता है, अब सबके डिजिट्स तो मैं नहीं दे सकता, आई विल जस्ट टेल यू द नेम्स, ठीक है? स्टेट का आप ढूंढ सकते हो। स्टेट में होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव क्या बोले बाजू से? असेंबली। इनको प्यार से हम कहते हैं विधानसभा। विधानसभा यहां पे कौन बैठता है? चीफ मिनिस्टर। कंसेप्ट समझ में आया? एंड फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या बोले एक बार? काउंसिल, जिसे हम कहते हैं विधान परिषद। विधान क्या बोले बाजू से? परिषद। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले यस और नो। यहां पे भी मेजॉरिटी वोटिंग दोनों लॉज के ऊपर, तो आपका स्टेट लॉ बनेगा, जाएगा गवर्नर जी के पास, गवर्नर जी इसको पास कर लेंगे तो ये उस स्टेट का लॉ बन जाएगा। गवर्नर को भी सेम वेटो पावर है जो प्रेसिडेंट को है, जो किसको है बोले बाजू से? प्रेसिडेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? जोर से बोले यस और नो।
खतरनाक वाली चीज में घुस जाए, ये थोड़ा समझने में दिक्कत दे सकता है, इसलिए कृपया अलर्ट रहे, वापस मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। अगर तुमने एक चीज सुनी होगी तो तुमने मुझे क्वेश्चन करना चाहिए था, पर तुमने नहीं किया। पूछो क्या, जोर से पूछो क्या। मैंने बोला 545 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक अपॉइंट करती है, बराबर है, जोर से बोलो हाँ है ना। आपने ये नहीं पूछा कि ये 245 में से 12 गए तो बचे हुए 233 कहां से आए। इनको किसी ने इलेक्ट भी नहीं किया है, इफ यू डोंट नो, वो एक मिनिस्टर है बीजेपी, क्योंकि सांस भी कभी, स्मृति ईरानी, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी, देखा सीरियल, देखा, मम्मी को पूछना, कंफर्म नोज, ठीक है। शी वॉज डेली सोप एक्ट्रेस, पर बाद में ऐसी एजुकेटेड बंदी निकली वो खतरनाक, शी वॉज गिविंग टफ टू राहुल गांधी जी, उनकी ही टेरिटोरी में, ठीक है, तो उनको राज्यसभा में बिठाया गया, हालांकि कभी चुन के नहीं आए। तो ये 233 कौन सिलेक्ट करता है रे, जरूरी नहीं है पार्लियामेंट के ही लोग हो। फ्रॉम वेयर दिस 233 कम्स, थोड़ा सा नाम के ऊपर भी ध्यान दोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। राज्यसभा, राज्यसभा कैन आई से दे रिप्रेजेंट द स्टेट, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स, बोलो हाँ है ना। कैन आई से दे रिप्रेजेंट द स्टेट, बोलो यस सर नो, एवरीबॉडी यस सर नो। तो इधर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए बैठते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो चीफ मिनिस्टर के लिए आप इलेक्ट करते हो, यही खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं 233 के लिए फॉर द स्टेट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिस इज हाउस ऑफ स्टेट, सॉरी माय मिस्टेक, राज्यसभा इज अ हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स, हॉस्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले सर नो, क्योंकि देश के हित के साथ सभी राज्यों का हित भी ध्यान में रखना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले सर नो, अरे बोलो हाँ या ना, थोड़ा और डिटेल में घुसे, एक्सेप्ट कर लोगे पक्का, एक चेहरे देखो तुम्हारे एक्सेप्ट करने वालों के, सर एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ, वैसे भी जीवन गया है सर, कुछ भी दे दो। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, ध्यान दीजिए, मैं तुम्हें इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम सिखा रहा हूँ, पप्पा के साथ में बैठ के गुफ्तगू कर सकते हो 2024 का इलेक्शन। पप्पा बोले 400 सीट आते, बोले ना 450, खत्म ही कर देना भाई। ओके पूछो क्या, जोर से पूछो क्या। कभी जीवन में अगर इलेक्शन बहुत प्यार से फॉलो किए हो ना तो एक चीज समझ जाओगे, उत्तर प्रदेश में सब ठिया गाड़ के बैठे रहते हैं, हर इलेक्शन में सब उत्तर प्रदेश में जाके बैठे रहेंगे। आपको बताएं क्यों उत्तर प्रदेश, यहां तक के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हमेशा दो सीट से लड़ता है। मोदी जी पिछले दोनों इलेक्शन में गुजरात की एक सीट बड़ोदरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड उत्तर प्रदेश की एक सीट वाराणसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों जगह से एमपी का कैंडिडेटशिप उन्होंने दिया था दोनों इलेक्शन में 2014-2019। क्यों क्यों उत्तर प्रदेश, और अमित शाह जी जब मोदी जी खड़े होते हैं, अमित शाह जी उत्तर प्रदेश मैं तो इधर ही बैठेगा, अन बाजू में योगी, कुछ समझ में नहीं आया, गाड़ी पलटा दो। सो टेल मी वाई उत्तर प्रदेश, वाई उत्तर प्रदेश। अच्छा महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र, अपना कुछ है कि नहीं है जीवन में, कुछ है नहीं है, देखना चाहोगे अच्छे से बोलो हाँ या ना। लेट्स पुट द सम फैक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे, सी दिस, दीज आर द ऑल सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हर स्टेट में कितने हैं। इससे आप यह भी डिसाइड कर सकते हो कि जिस, क्यों बता रहा हूं मैं ये, क्योंकि जिस स्टेट के जितने ज्यादा सीट्स उस स्टेट के बेनिफिट का लॉ आने के चांसेस ज्यादा, उस स्टेट के बेनिफिट के लॉ आने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि वहीं के एमपी ज्यादा है ना भाई साहब, ये सब मिलकर हमको पागल बना रहे, बोलो हाँ है ना। इफ यू गो इन टू टोटल नंबर ऑफ सीट्स, आप सबसे पहला देखोगे आंध्र प्रदेश, पर अभी एक टूट गया, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, दैट्स वाई उनका गया मेजोरिटी। फिर आप नीचे आ जाओ बिहार, कितने सीट्स है 40, उसके नीचे पहले देखो झारखंड भी उधर ही था 14 सीट्स के साथ, बोलो हाँ या ना, अभी सेपरेट हो गया। नीचे आ जाओ कौन दिख रहा है लाइन में 48 सीट्स के साथ, जय महाराष्ट्र, सेकंड थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इधर से, क्योंकि देश की इकोनॉमी यहां से चलती है,
कैपिटल सिटी ऑफ इकोनॉमी क्या? मुंबई. बोलो हाँ, है ना. आगे बढ़ जाओ, दिख गया? दिखा क्या? उत्तर प्रदेश कितने सीट्स है? और पहले उत्तराखंड भी उसी में था. उत्तराखंड बाद में, मतलब 85 सीट्स एक स्टेट लेके चल रहा था. आर यू सीरियस? 272 में से ये एक लोग थे 85 सीट्स लेके चल रहे भाई. और क्यों ऐसा? क्यों उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. थोड़ा और डीप में जाए, फिर कहां तक लेके जाओगे? क्यों पॉपुलेशन ज्यादा उत्तर प्रदेश में? अरे मतलब भगवान, ऐसा नहीं, बहुत लाइन जाती है वहां पे. उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट्स क्यों है? रीजन, देश की सबसे बड़ी रिसोर्सफुल स्टेट उत्तर प्रदेश बनी हुई है बहुत पहले से. एंशियंट इंडिया से गंगा बहती है भाई. और आप सैटेलाइट पिक्चर्स कभी भी रात के अगर किसी भी देश के देखोगे तो आपको हमेशा ये दिखेगा कि जहां से रिवर बहती है वहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है. देश की सबसे बड़ी रिवर गंगा है. उसके साथ ना ही हमारा सिर्फ रिसोर्स जुड़ा है, उसके साथ हमारा स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ा है. एंड दैट्स वाई वहां पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है. पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, सीट सबसे ज्यादा, सीट सबसे ज्यादा, पार्लियामेंट में वट सबसे ज्यादा, पार्लियामेंट में वट सबसे ज्यादा. सबसे ज्यादा लॉ किसके फेवर में बनेगा? उत्तर प्रदेश. इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? और वहां का चीफ मिनिस्टर हमेशा सुर्खियों में होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इनका पूरा प्लान फिक्स है अगले 20 साल का. जिनको समझ में आया अच्छी बात है. आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? अभी मोदी जी है, पर मोदी जी तो बूढ़े होंगे ना. एजेंडा समझ रहे हो तुम? सेम गुजरात के वक्त भी हुआ था. मोदी जी गुजरात चीफ मिनिस्टर थे, सेम एजेंडा फॉलो हुआ था. जस्ट लुक इनटू द फ्यूचर. एक बार फ्यूचर में आप देखो ना, आपको देश किस तरफ जा रहा है वो भी दिखेगा. दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू कि आपने किस तरफ जाना चाहिए इन द फ्यूचर, कि कौन सी चीजों में पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कौन सी चीजों में करियर ऑप्शन ज्यादा है, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ या ना. ये सब मिलके हमको पागल बना रहे. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? सो दैट्स वाई उत्तर प्रदेश में सब लोग जाते हैं, मेनली सभी के सभी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स. इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो. सबसे आखिरी बट नॉट द लीस्ट चीज, एक बार प्रेसिडेंट और गवर्नर ने लॉ पास कर दिया, इट गोज टू ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड भारत का राज्यपत्र. एंड अगर स्टेट लॉ है तो स्टेट का राज्यपत्र, जिसे ऑफिशियल गैजेट कहते हैं. ओ जी करके उसका शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए, बट इट बिकम्स ओ जेड, क्योंकि सबने कस्टमरीली ओ जेड ही एक्सेप्ट किया है. इसके अंदर तीन चीजें बोली जाती है, कौन से दिन से कौन से एरिया में कितने नंबर ऑफ सेक्शन अप्लाई होंगे. जैसे कंपनीज एक्ट की हम बात कर रहे थे, कंपनीज एक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया था नियरली 23 अगस्त, नियरली दिस इज रफन, 23 या 27 अगस्त 2013 को यह एक्सेप्ट हुआ था. डेट इंप्लीमेंटेशन का खुद प्रेसिडेंट ने लिख के दिया था 12 सितंबर 2013. एरिया था एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. नंबर ऑफ सेक्शंस थे 98 out of 470. दिस इज हाउ द कंपनीज एक्ट 2013 इज इंप्लीमेंटेड एंड दिस इज हाउ द एंटायर और एनी लॉ इन इंडिया इज पास्ड. Whether it is a companies, LLP, FEMA, SEBI, SICRA, competition, banking, insurance, IRDA, minimum wages, workman dispute, industrial dispute, PEF, gratuity, bonus, CS वाले, CMA वाले, सब उठा के ले लो. यही प्रोसेस है. ये प्रोसेस छोड़ के इंडिया में दूसरा प्रोसेस समझ में आया पक्का? जोर से बोलो यस और नो. सर इतना ज्ञान पेल दिया, लिखे कैसे? राइट right? एक मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओ, ठीक है. सब चीजें थोड़ी सी एसिमिलेट कर लो, अच्छे से लिखवा के दे दूंगा, ठीक है. पानी वानी पीना है पी लो, जिंदगी जीना है जी लो. वी आर गोइंग फॉर द राइटिंग, गो फॉर इट फास्ट. चलो, आर यू गाइस रेडी? एवरीबॉडी यस और नो?
फ्रेश फ्रेश, हाउ इज द जोश? हाय सर, भूख लगी है सर। वेलकम टू गोवा सिंगम। मेरे को सीए बनना है, ये मैं पैसा कमाएगा, मेरी लगी पड़ी है। चलो स्टार्ट करें भाई साहब, यही प्रोसेस है, इसी से पास होना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ अलर्ट करवा रहा हूं, ठीक है? अभी आज देखो बहुत सारे बच्चे एकदम ऐसे चकाचक होके आए हैं। सी यू आफ्टर 15 डेज। बाल किधर जा रहे सर? बस आप थैंक यू बोलो, हम कपड़े पहन के तो भी आ रहे हैं। चलो स्टार्ट करें गाइस, सिर्फ लिखना है, जस्ट पे द अटेंशन, जितने फैक्ट्स है उसको एसिमिलेट करके अगले 5-10 मिनट में लिखना है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? चलो, दो पार्ट आपने पेज के किए हैं ऑलरेडी, सो यू स्टार्ट आफ्टर द लास्ट चार्ट, जो ये वाला हमने खत्म किया, ठीक है? अब ये बकायदा दो पार्ट में जाएगा, एक बार सेंट्रल प्रोसेस आएगा, एक साइड स्टेट प्रोसेस आएगा। आर यू गाइस रेडी? बोलो हाँ या ना। चलिए, सो मैं इधर लिख रहा हूं सेंट्रल प्रोसेस और मैं इधर लिख रहा हूं स्टेट प्रोसेस। आने वाले एग्जिट पोल में मस्त पप्पा को लेके बैठने का, मतलब अगर तुम घर पे बैठ पाए तो। ठीक है, मुझे बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होता है गाइस? एवरीबडी प्लीज टेल मी, वेरी गुड, लिखिए ड्राफ्टिंग। मुझे बताओ जो चीज हम ड्राफ्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? मैं लाइन मिटा दे रहा हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। यू शुड ड्रॉ, ठीक है? सो ड्राफ्टिंग, जो हम ड्राफ्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सो आप सेंट्रल में लिखोगे सेंट्रल बिल, आप स्टेट में लिखोगे स्टेट बिल। नाम थोड़े से रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए गाइस। समझ में आ रहा है पक्का? जोर से बोले सुनो। सो सेंटर में कौन सा बिल आ रहा है बोले एक बार, उसे सेंट्रल बिल, और स्टेट में कौन सा बिल आ रहा है बोले एक बार, उसे स्टेट बिल। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो हाँ या ना। ओके, सेंट्रल बिल और स्टेट बिल ये कौन ड्राफ्ट कर सकता है? थियोरटिकली वी कैन राइट एनी पर्सन, थियोरटिकली हाँ, बट यू नो कि जो थ्योरी में होता है जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली हो, पर अब बोला गया है तो वी हैव टू राइट एनी पर्सन थियोरटिकली। प्रैक्टिकली यू शुड नो कि पॉलिटिकल पावर थोड़ा सा होना जरूरी है, या आप उस फील्ड के बहुत एक्सपर्ट या बहुत तगड़े पर्सन होने चाहिए कि लोग आपकी सुनना शुरू कर दे भाई साहब। क्लियर है? ड्राफ्टिंग के बाद में सेकेंड वाला स्टेप आएगा, कौन सा बोलो बच्चों? इंट्रोडक्शन, ठीक है? दैट इज कौन सा? इंट्रोडक्शन। ड्राफ्टिंग में आप यह भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013 का ओरिजिनल बिल था कौन सा? 2012। यह भी लिख के रखिए। इज इट क्लियर? बोलो हाँ है ना। इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोडक्शन कहां पे करते हैं? सो फर्स्ट वी विल गो टू कहां पे? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हम इंट्रोडक्शन करते हैं, और अगर स्टेट लॉ रहा तो हम कहां इंट्रोड्यूस करते हैं गाइस? स्टेट लेजिस्लेचर। सो पार्लियामेंट एंड दूसरा कौन सा बोले एक बार, जो से स्टेट लेजिस्लेचर। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? जोर से बोले सुनो सबको, लास्ट बेंच समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी क्लियर? चलो, इंट्रोडक्शन के बाद में फर्स्ट रीडिंग वाला पार्ट होता है, तो हम फर्स्ट रीडिंग के ब्लॉक को सेपरेट नहीं करेंगे, हम इसी के नीचे लिख देंगे फर्स्ट रीडिंग। कैन यू टेल मी कंपनीज एक्ट का पहला रीडिंग किसने किया था बच्चों? जोर से बोलिए किसने किया था? सचिन पायलट जी। कौन सी गवर्नमेंट थी? ये सब चीजें बहुत काम में आएगी हाँ आपके बच्चों, बहुत काम में आएगी, बिकॉज हु पास द लॉ एंड हु इंप्लीमेंट्स द लॉ, दिस मेक्स वेरी मच डिफरेंस, ठीक है? कांग्रेस ने पास किया, बीजेपी इंप्लीमेंट कर रहा है, बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है? अमेंडमेंट्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुआ तो अमेंडमेंट आना जरूरी है, क्योंकि नई गवर्नमेंट खुद के हिसाब से अमेंडमेंट्स लाएगी ना भाई,
कांग्रेस गवर्नमेंट का किसी दूसरे बिजनेसमैन को सपोर्ट है, बीजेपी गवर्नमेंट का किसी दूसरे बिजनेसमैन को सपोर्ट है, बोलो हाँ या ना। तो बीजेपी तो ये चाहेगा ना कि उनके जो फंडिंग वाले बिजनेसमैन है उनके लिए लॉज बनाए, बोलो हाँ या ना। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी, इज इट वेरी क्लियर। ये होने के बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में वी गोज टू कहां पे, बोले एक बार पब्लिक कमेंट्स। क्या बोले एक बार, जो से पब्लिक कमेंट्स। ठीक है, मुझे बताओ सेंट्रल लॉ पे कौन सी पब्लिक कमेंट करेगी, इंडियन। स्टेट लॉ पे कौन सी पब्लिक करेगी, स्टेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग, बोलो हाँ है ना। चलो बहुत बढ़िया। पब्लिक कमेंट्स के बाद में पब्लिक के कमेंट्स क्या करने पड़ते हैं, फिल्टर। सो विल गो टू किसके पास बच्चों, बोलो स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी, मुझे एक बार बताओ स्टैंडिंग कमेटी, सेंट्रल लॉ के लिए सेंट्रल कमिटीज क्रिएट की जाती है, स्टेट लॉ के लिए कौन सी, बोले एक बार स्टेट कमिटीज। सेंट्रल कमिटी एंड स्टेट कमिटीज, ठीक है। मुझे बताओ कंपनीज एक्ट के लिए टोटल कमिटीज कितनी बनाई गई थी बच्चों, एवरीबडी प्लीज टेल मी हाउ मेनी कमिटीज, फाइव कमिटीज। फाइव कमिटीज कौन कौन सी, दो इंटरनेशनल थी, बोलो हाँ या ना। उनका नाम क्या था, टू इंटरनेशनल कमिटी, पहला वाला कौन सा था, कैडबरी, दूसरा वाला कौन सा था, कोहेन, और तीन इंडियन कमिटीज, बोलो हाँ या ना। उसमें से पहली नारायण मूर्ति कमेटी, दूसरा कुमार मंगलम बिरला, तीसरा जे ईरानी। ठीक है, आप थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो फाइव कमिटीज हमने कंपनीज एक्ट के लिए बनाए थे, टू एंड कैब्रिक बाजो से थ्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस। कमिटीज ने लॉ पास करने के बाद में वापस से इट गोज टू कहां पे बच्चों, बोलो पार्लियामेंट। मुझे बताओ अब पार्लियामेंट के, सॉरी वापस गोज टू पासिंग, सो सॉरी यहां पे आपको वर्ड लिखना है पासिंग, माय मिस्टेक, यू हैव टू राइट डाउन पासिंग। पासिंग में लेफ्ट साइड हम लिखेंगे क्या, बोले एक बार जो से पार्लियामेंट। और राइट साइड हम क्या लिखेंगे बच्चों, प्लीज टेल मी एवरीबडी, प्लीज टेल मी, स्टेट लेजिस्लेचर। मुझे एक बात बताओ पार्लियामेंट के कितने हाउसेस होते हैं, दो। पहला कौन सा, हाउस ऑफ पीपल, मैं ही लॉन्ग फॉर्म में लिख देता हूं, हाउस ऑफ पीपल। और दूसरा हाउस कौन सा होता है, प्लीज टेल मी, दूसरे हाउस का नाम क्या है बच्चों, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। एक बार सब जन जोर से बोलो, क्या बोलना है, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउसेस कौन से होते हैं, बोलो, स्टेट काउंसिल, स्टेट में कौन कौन से दो हाउसेस होते हैं, प्लीज टेल मी गाइस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव विधानसभा, विधान परिषद। जिनको हिंदी के नाम चाहिए वो कृपया उसको नोट करके रखे, हाँ, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबको समझ में आ रहा है पक्का, बोलो हाँ या ना। ओके, ये होने के बाद में चलो लॉ का पासिंग हो जाएगा। अच्छा, इनके नंबर लिख के रखने हैं, इच्छा है, बोलो हाँ है ना। सो लिख के रखिए 272 आउट ऑफ 545 एंड 123 आउट ऑफ 245। ठीक है, पार्लियामेंट्री नंबर तो भी पता होने चाहिए। इज इट वेरी क्लियर। चलो, इन्होंने लॉ पास कर दिया, फिर किसके पास आता है, बोले एक बार उसे प्रेसिडेंट। कैन यू टेल मी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब, अब यहां प्रेसिडेंट और गवर्नर भी कर दीजिए क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ेगी अपने को। सो सेंट्रल में कौन पास करता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर,
प्रेसिडेंट, और स्टेट में कौन पास करता है? गवर्नर। और इनके पास में कौन सा पावर होता है? वेटो पावर। व्हाट इज वेटो पावर गाइस? वन टाइम रिजेक्शन, एंड गवर्नर भी वेटो, वन टाइम रिजेक्शन। इज इट वेरी क्लियर? लाइव स्ट्रीम में किसी को दिक्कत है जरूर बताइए। बोलो डन। हाँ आना बच्चों, सबका लिखना हो गया है? ओके। प्रेसिडेंट गवर्नर ने पास कर दिया, फिर कहां पे जाएगा? द ऑफिशियल गजेट। GAZZET, ऑफिशियल गजेट। अब ये ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया होता है, और एक ऑफिशियल गजेट होता है किसका? स्टेट। उसके अंदर हम कितनी चीजें डिक्लेयर करते हैं? तीन। कौन कौन सी बोलो सब जन? डेट, साथ में एरिया, और साथ में नंबर ऑफ सेक्शंस। डेट, एरिया और सेक्शन। जैसे कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं, कौन सा डेट था बच्चों बोलो प्लीज? 12 सितंबर 2013। एरिया एंटायर इंडिया, सेक्शन 98 आउट ऑफ 470। ठीक है। अप्रूवल प्रेसिडेंट ने अगस्त में दिया था, अप्लीकेबिलिटी 12 सितंबर से है। ठीक है, हमें सिर्फ अप्लीकेबिलिटी का डेट ही याद रखना जरूरी है। प्रेसिडेंट अप्रूवल के डेट नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं, किस दिन से इंप्लीमेंटेशन हुआ दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर है कंसेप्ट सबको? जोर से बोलो यस और नो। अरे बोलो हाँ या ना। ओके। अब इमरजेंसी वगैरह में जो लॉ आया उसकी प्रोविजन वगैरह हम कल लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी कंटेंट वाइज मैंने मेरे को जितना पढ़ा था उतना मैंने पढ़ा। ए, हा, 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 हा। कैसी पब्लिक है जीवन में, मेरे को जितना पढ़ा था थोड़ा शांति, जो जैसा है छोड़ दो। ठीक है, ये समझ में तो आ गया होगा कि कंटेंट अच्छा मिलेगा, और ये मेरा प्रॉमिस है कि ये सिर्फ फर्स्ट डे है इसलिए नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे सभी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है कि इससे भयंकर कंटेंट आपको मिलेगा अगले 90 लेक्चर्स में। कुछ चीजें दिल की बोलूंगा क्योंकि कुछ लोग डेमो करने आए हैं। जो डेमो करने आए हैं, दिस इज माई फ्रेंड प्रोफाइल। ओके, ऑब्वियसली ठीक है, इट्स ओके, नॉट एन इशू। बट मैं मेरे तरफ से कुछ चीजें बोल दूं जो आपको क्लास के लिए बहुत जरूरी है, सो दैट अपनी बनी रहे। ठीक है, रुकुन रुक रुकुन प्लीज प्लीज सुन लो गली आदमी का थोड़ा सा। ठीक है, बोलू 2 मिनट के लिए? वैसे भी मैं तुम्हें 5-10 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा, इसलिए शांति से सुन लो। ठीक है, बोलू 2 मिनट के लिए? पहली चीज, एज आई टोल्ड यू, कहां कितना क्या सिलेबस होता है प्लीज मेरे सिलेबस के साथ कंपेयर ना कीजिएगा। मैं इतने डिटेल में ही पढ़ा सकता हूं, क्यों और क्यों जरूरी है? दिस माइट बी योर लास्ट क्लास फॉर द सब्जेक्ट लॉ इन एंटायर CA स्ट्रीम, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि तुम फाइनल पे लॉ की क्लास पढ़ोगे, क्योंकि वो सेल्फ बेस असेसमेंट मॉड्यूल है। तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं तुम्हें वहां तक ले जाके छोड़ दूं जहां से तुम खुद लॉ पढ़ पाओ, कैसे पास हुआ देख पाओ, समझ पाओ कि क्या पॉलिटिक्स था, एंड दैट इज नेसेसरी, अदरवाइज यू विल नॉट बी अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट। I want you to be a good chartered accountant with the professional and knowledgeable skills. पैसा तुम सिर्फ profession और knowledge के basis पे ही कमाओगे। हाँ, उसके साथ तुम rank ला सकते हो, बहुत अच्छी बात। But never compromise your knowledge and professional skills just for the purpose of having very good marks. क्योंकि पैसा तुमको वही देके जाएगा। You take any big four director, you take any big four partner, किसी को भी एवे हैवे खतरनाक मार्क्स आए ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है।
बट दे आर गुड विद देयर वर्किंग स्किल्स. इसमें आप टॉपअप कर सकते हो बहुत अच्छे मार्क्स लाके, वी विल बी वेरी हैप्पी, आई विल पर्सनली सपोर्ट यू. ये पहली चीज. सो जस्ट गो विथ माई लेक्चर्स. लास्ट बैच में विदाउट अ सिंगल पर्सनल हॉलीडे आई हैड 105 डेज इन माई हैंड. 105 डेज में से 9 दिन दिवाली की छुट्टी थी, 4 दिन गणपति की छुट्टी थी, 7 दिन संडे थे. इफेक्टिवली 85 डेज हाथ में थे. मैंने 85 डेज में 95 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं विदाउट अ पर्सनल हॉलीडे. और ये इस बैच में भी नहीं होगा. इस बैच में मेरे हाथ में इफेक्टिवली पूरे प्रेस्टीज पॉइंट के जुगाड़ की वजह से देर आर 100 डेज, दैट इज 15 फरवरी से लेके 25 मई लास्ट में मान रहा हूं. इसमें से 13 संडेज है. स्टिल मुझे 90-95 लेक्चर्स लेने हैं क्योंकि मुझे पता है उससे कम में नहीं हो सकता. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जैसा टॉपिक जो पहले फाइनल पे था, उसके 12 लेक्चर लिए हैं लास्ट अटेम्प्ट में. 12. आई हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्चर्स इन एंटायर इंडस्ट्री एंड आई एम, मैं उसके लिए सॉरी नहीं बोल सकता बिकॉज मैं बचपन से पढ़ाऊ गुरु के साथ में जितना समय बिताने मिले बहुत अच्छी चीज है. जो तुम 10 घंटे में पढ़ोगे वो मैं 1 घंटे में तुम्हारे अंदर डाल दूंगा एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. मुझे ये चीज लगती है. दूसरी चीज, क्लास बहुत अच्छे से होगा. तुम गाना वाना गाने के लिए मेरे को बोलोगे एक आधी बार तो मैं सिर्फ संडे को गाएगा और मैं कुछ सेशन सिर्फ संडे को ही लेगा. लास्ट बैच तक मैं कभी भी बीच में एट्रेंडमली लेता था, पर ये सेशंस कुछ संडे को ही होंगे. मेडिटेशन सेशंस जो मैं चाहता हूं आप करो, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है पर कुछ लोगों को पसंद नहीं आता तो इट्स ओके. प्लानिंग सेशंस, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में आप सीए के साथ और क्या कर सकते हो इसका एक लेक्चर होता है. दोज विल बी कंडक्टेड ऑन संडेज. इफ यू विश टू डू इट यू डू इट, इफ यू डोंट विश टू डू इट आप मुझसे पहले से ज्यादा होशियार हो फिर तो आई कैन नॉट डू समथिंग. ओके. एडिशनली लास्ट बैच में आप होमवर्क करके नहीं आते थे तो मैं लोगों को खड़ा करता था. ये चॉइस मैं आपके हाथ में छोड़ता हूं इस बार से. रीजन, 2-4 पेरेंट्स मेरे को मिलके गए, सर हमारा बच्चा 18 साल के ऊपर है, ये बताने के लिए पेरेंट्स आए थे. सो आई कीप इट टू यू, यू टेल मी टुमारो कि शॉल वी पनिश यू और नॉट. क्योंकि मैं इतना तो करूंगा कि आप जो भी आंसर लिखोगे ना लास्ट 15 मिनट में घूम घूम के हर एक के आंसर चेक कर लूंगा. और मैं इतना तो तुमको लाके रख दूंगा कि भाई साहब तुम्हारा राइटिंग अच्छा हो जाए बिकॉज देर आर फ्यू प्रोमिसेस जो मैं डे 1 पे करूंगा और डे लास्ट 90th-95th लेक्चर में सेम स्लाइड अपन ओपन करके देखने की कोशिश करेंगे. शॉल वी हैव डन दैट. फर्स्ट, दिस इज नॉट अ प्रोमिस फॉर दिस बैच, दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द लास्ट बैच. क्योंकि इसे प्रोमिसेस करूं उससे कोई फायदा नहीं है, जो मैंने किया है उसको बताओ बेटर है. प्रॉमिसेस तो आधे घंटे में तुम्हारा ब्रेन वॉश करने के लिए मेरे को कुछ नहीं लगेगा. शीएस बेकाम, राइट? सो आई विल टेल यू द फैक्ट्स. लेट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट्स डिसाइड व्हाट वी शुड डू व्हाट वी शुड नॉट बिकॉज फैक्ट स्पीक्स लाउडर देन व्हाट एवर इज द प्रॉमिस. लास्ट बैच में वी हैड गिवन 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी. ये इतनी क्लियर है कि अभी फास्ट ट्रैक लेक्चर जो हमने यूट्यूब के ऊपर फ्री डाले हैं उसमें भी है. उसके ऊपर क्या आप कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, यू विल कम टू नो. ठीक है, उसमें से एक भी कमेंट मैंने पैसे देके नहीं किया है. पैसे दिया होगा आदमी ने. ठीक है, दूसरा, मोर देन 300 क्वेश्चंस वेयर सॉल्व्ड इन द लास्ट बैच, जिसमें से 2-2 क्वेश्चन डेली मैं क्लास में करवाता था, 3-3 क्वेश्चन होमवर्क में देता था. इसका फायदा यह होता है कि एट द एंड ऑफ द बैच आपको लॉ लिखने के लिए दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, हाथ अपने आप चलना शुरू हो जाएगा. एंड दैट व्हाट मैटर्स इन एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी दिमाग थोड़ा कम काम करता है. ठीक है, आई विल ट्राई टू अचीव इन दिस बैच ऑल्सो, विल डू दिस. आर यू विथ मी? आर यू श्योर आर यू विथ मी? तो कृपया मेहनत करने के लिए रेडी रहिए. थर्ड, देयर वेर 4 चैप्टर वाइज टेस्ट. 50 मार्क्स के 2 टेस्ट लिए थे और हमने नवंबर 23 का पेपर जो 4 नवंबर को हुआ था वो 25 नवंबर को बैच में सॉल्व करवा लिया था. अब बहुत कम लोगों ने उसको दिया, आई डोंट नो हाय. आपके बैच में कृपया ये ना हो पाए. हम मई 24 का पेपर जो 4 मई को होगा वो 22-25 मई को यहां पे सॉल्व करेंगे. आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू बी देयर, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा. नेक्स्ट, 148 प्लस सेक्शन टंग पे है. लोग कहते हैं सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, पर मेरे एक बात को सिर्फ मार्क कर लीजिएगा,
अगर तुम्हें लॉ पे ग्रिप चाहिए, होल्ड चाहिए, तुम्हें यह चाहिए कि यह सब्जेक्ट मुझे कभी जिंदगी में परेशान ना करे, अगर परेशान करे तो मैं इसको करूं, तो आपको 148 सेक्शन टंग पे लाने पड़ेंगे, नाम और नंबर, एंड दिस विल हैपन. पहले 15 मिनट क्लास में प्रेजेंट रहो, बचा हुआ मैं सब ठीक कर देगा. 80 प्लस ई फॉर्म्स, इसके ऊपर तो मार्क्स है. 80 प्लस ई फॉर्म इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो आंसर्स दिए वो ई फॉर्म्स के साथ है, वो तो सेक्शन नंबर के भी साथ है. 80 प्लस ई फॉर्म्स विल बी ऑन योर टंग. बहुत सारे ई फॉर्म्स हम क्लास में ओपन करके देखेंगे, क्योंकि यही ई फॉर्म आपको बाद में आर्टिकल शिप में यूज करने हैं. नेक्स्ट वन, दो मेडिटेशन सेशन होंगे संडेस को, साथ में एक करियर काउंसलिंग का सेशन होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लास बहुत पॉजिटिव और फन लविंग होगी, पर कंटेंट वाला फन होगा, फालतू वाला बहुत कम होगा. इससे भी सबसे ज्यादा वाला प्रॉमिस, ये प्रॉमिस मान लो, क्योंकि एक ही प्रॉमिस करो बच्चों, ये तो सब फैक्ट्स थे. आई विल मेक लॉ वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड द मोस्ट कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट. आई एम डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 3-4 बैचेस, आई विल स्टिल डू इट. ठीक है, मेरा हालत खराब रहे, मेरा तबियत खराब रहे, मैं यहां पे आके खड़ा रहेगा. आपने भी यहां पे आने का है, फेस टू फेस का एडमिशन लिया है, लाइव स्ट्रीम का एडमिशन लिया है, मेरे साथ में रहो, मेरे साथ में चलो. मैं ऐसा बना के छोड़ देगा कि लॉ के वजह से आपका ग्रुप वन पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. एंड प्लीज डू अंडरस्टैंड, वंस यू आर कॉन्फिडेंट इन वन और टू सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप वन, आपको ग्रुप टू करने से कोई नहीं रोक सकता. पर अगर आपका ग्रुप वन में ही डाउट है, यू विल नेवर ट्राई टू टच अ ग्रुप टू, और तुम ऋषभ जैन सर को देख नहीं पाओगे. तो अगर ऋषभ जैन सर को देखना है तो प्लीज बी विथ मी. द ओनली रिक्वेस्ट इज जस्ट बी विथ मी, ट्रस्ट द प्रोसेस. मैं जो करवा रहा हूं, जैसे करवा रहा हूं, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. कई बार तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कई बार अपने बीच में नोकझोंक होगी, पर नोकझोंक वही होती है जहां प्यार होता है. ठीक है, एंड दिस, ये चीज हम इस बैच में अचीव करने वाले हैं. फाइन, सबको जोर से बोलो हाँ या ना. सो प्लीज बी हियर विथ योर वर्किंग स्किल्स, विद द नॉलेज. क्वेरी आप कभी भी पूछ सकते हो. लास्ट बट नॉट, इतना घाई है ना जीवन में, नोट्स के बारे में सुन के जाओ एक मिनट के लिए प्लीज. ये है आपके नोट्स. कंपनी लॉ के आपको 3 मॉड्यूल्स मिलेंगे. मॉड्यूल 1 में 7 चैप्टर है, मॉड्यूल 2 में 7 चैप्टर है, टोटल 14. सर ये 11 से 14 किधर में आएगा समझ में, डोंट वरी. ठीक है, सो मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एलएलपी और अदर एक्ट का है. क्लियर है कंसेप्ट सबको? टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन मॉड्यूल्स के 700 पेजेस है. सर मजाक कर रहे हो तुम, क्या समझ के क्या रखा है? सस्ते मजबूत टिकाऊ स्टूडेंट कुछ भी दे दोगे. क्यों 700 पेजेस? आई विल जस्ट शो यू ना, दिस इज योर बेसिक्स एंड प्रिलिमिनरी, पहला वाला चैप्टर. क्योंकि तुम्हें जो भी लिखना है ना, वो मेरे साथ नोट्स में ही लिखना है. इधर मैं तुमको केस लॉ पढ़ाएगा कॉमिकल फॉर्म में, मैं इधर उसको लिखवा लेगा कि ये केस लॉ का नाम है लेफ्ट साइड में, ये उसका डिसीजन है और ये उसके कीवर्ड है. मैं नहीं चाहता ये क्लास खत्म होने के बाद में तुम जिम के जगह पे सिर्फ बुक्स लेके घूमो. ठीक है, आई विश यू टू कैरी ओनली वन सिंगल बुक जिसके अंदर इधर पढ़ना है, इधर लिखना है, बात खत्म. और क्वेश्चनेयर का रजिस्टर सेपरेट रहेगा, पर दैट जस्ट प्लीज फॉलो. ठीक है, ये आपका ओरिजिनल नोट्स है, ये मिलेगा. पर सर 700 पेजेस कुछ भी हो जाए हम नहीं पढ़ने वाले जीवन में सर. देन कम्स अ समरी बुक. वाओ, बुक पूरे 700 पेजेस का 150 पेज में निचोड़. जैसे ये सेक्शन नंबर 25 है, ये ओरिजिनल बुक में 1.5 पेज का है, यहां वो आधा पेज भी नहीं खा रहा. और बस इसी को एंड में याद करना है और एग्जाम में लिखने का है. ये तुम्हारी वाओ बुक है. देखना चाहोगे तो आई विल जस्ट शो यू, सो दैट यू शुड बी वर्स्ड विथ इट. ठीक है, शांति से देख लेना, क्योंकि ये कलेक्ट करना है, एखादी भूल ना जाओ. दर्शन करे 3 मॉड्यूल्स है. ठीक है, 250 पेजेस का एक मॉड्यूल है, पूरे मॉड्यूल 4 कलर है. यू टेक एनी पेज, फर्स्ट से लास्ट पेज तक पैशनेटली बनाया है, क्योंकि मेरा पैशन नोट्स बनाने का है. क्लियर है? दूसरा, 600 क्वेश्चंस का नवंबर 2002 से लेके आज तक का सभी क्वेश्चन इस बाइबल में है. लास्ट 10 आरटीपीज एमटीपीज आर देयर. इसमें से 300 क्वेश्चन द मोस्ट डिफिकल्ट हम सॉल्व करेंगे. 700 पेजेस का समरी 150 पेज में, द ब्लैक बुक, वी कॉल इट एज अ वाओ बुक.
अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, आपको 148 सेक्शंस मैंने बोले, बोला हाँ या ना, 148 सेक्शंस को मैंने इसमें, ये चार्ट है, इसे बर्ड आई व्यू चार्ट कहता हूं मैं, ये मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा बट अल्टीमेटली हम इसी के ऊपर एंड हो जाएंगे। ये 20 पेजेस का चार्ट है, सी दिस पेज नंबर 1.1, कैन यू सी दिस, बोलो हाँ है ना। इसके ऊपर आप देखना सेक्शन नंबर कहां से शुरू होता है, दिस इज सेक्शन नंबर 3, आप लाइन से देखते जाना। 20 पेजेस में पूरे 60 मार्क का समरी देके रखा है मैंने, अगर आप ठीक से मेरे साथ पढ़ते हो। दिस इज पेज नंबर 1.20, दिस इज सेक्शन नंबर 148। 20 पेजेस में 60 मार्क का समरी, पर ओनली इफ यू आर विथ मी, मेरे साथ में ठीक से पढ़ो तो। क्लियर है कंसेप्ट सबको? इसके भी एडिशन में सर कुछ तो भी भारी का दिखाओ ना, एकदम ऐसे मतलब देख के ऐसे फट जाए भाई देख के मजा आ जाए। दीज आर द वॉल चार्ट्स, 5 से 6 वॉल चार्ट्स है, पर ये मैं आपको नहीं दूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसको कहां कहां लेके घूमोगे रे? तो इस बार हम कर रहे हैं इस वॉल चार्ट को कन्वर्ट चार्ट बुक में, जो आपकी नॉर्मल बुक साइज के डबल लेंथ की रहेगी, जिसको आप रोल करके रीडिंग रूम इधर उधर पुंगली करके, सॉरी यू कैन कैरी इट एनी वेयर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एंड लास्ट बैच में जो सबसे अच्छी चीज मैंने बनाई थी, तुम्हारे रील्स को, रील्स वाले जो तुम इंटरनेट एक्सेस करते हो ना, 2-2 मिनट तुम इधर उधर गमाते हो, वो 2-2 मिनट बचाने के लिए। आप रील देख रहे हो, दीज आर द वाव कार्ड्स, 156 कार्ड्स, 100 मार्क्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सेक्शंस, ई फॉर्म्स, एवरी सिंगल थिंग। दिस इज जस्ट वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, आप पीछे सेक्शन नंबर देखिए, रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए कि भैया क्या सेक्शन नंबर है। नहीं याद आया, आप कार्ड पलटिए, आपको पूरे के पूरे आंसर राइटिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। जस्ट टू शो यू, ऐसे तो नहीं दिखेगा, दिस इज द पीडीएफ, दिस इज डेफिनेशन के सेक्शन, ये आपने सुने भी होंगे, सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ये उसका पीछे का पोर्शन। ठीक है, एक कार्ड में फिनिश। आप 2 मिनट के लिए एक कार्ड पढ़ोगे, रील देखने की जगह पे कच्चा बादाम नहीं। ठीक है, ठीक है, नहीं, एक कार्ड देखना 2 मिनट, 10 कार्ड दिन के कैरी करो, जेब में, मोबाइल में, वॉलेट में, किधर भी। 20 मिनट लगेंगे 10 कार्ड देखने के लिए, 15 दिन में पूरा सिलेबस रिकवर कर जाओगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एग्जिस्टिंग स्टडी टाइम, जस्ट बाय गिविंग दोज टाइम विच इज ऑफ टाइम पास। क्लियर है कंसेप्ट? इतनी चीजें मेरे तरफ से मिलेगी, इससे ज्यादा दे भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो तुमको और कंफ्यूज कर देगा कि कितना कितना करे सर। ठीक है, इसको यूज भी कैसे करना है, आई विल ओनली शो यू। ठीक है, बस इतना ही कहना था, थोड़ा 2 मिनट ज्यादा ले लिया, आई एम वेरी सॉरी, बस इतना ही कहना था। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बोलो जोर से बोलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय गाइस।